ऑडिट कैन डिटेक्ट फ्रॉड्स एज अकाउंटेंट कैन डू दैट इफ कैश सेल्स हुई है तो
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सैलरी की जो फर्स्ट क्लास हुई है उसका मैं रिवीजन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सैलरी की जो फर्स्ट क्लास हुई है उसका मैं रिवीजन अभी करा रहा हूँ। 5 से 10 मिनट में पूरा फर्स्ट क्लास का रिवीजन मैं करा दूंगा। ये जो नोट्स आप बोर्ड में देख रहे हो ये मैंने हार्ड कॉपी में ऑलरेडी आप लोग को प्रिंट में दे दिया है, तो आपके बुक में ये सब ठीक है। सैलरी, सैलरी के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, 15, 16, 17, जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है, बट हमें सेक्शन नंबर याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चार्जेबिलिटी, फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किया था और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल वो हम लोग अभी रिविजन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक वॉज चार्जेबिलिटी, सेक्शन नंबर अगर कोई कंपनी को मास लेवल पे अपने एम्प्लॉइज कम करने, मतलब सपोज 5,000 एम्प्लॉइज है और उनको 1,000 एम्प्लॉइज 20% कम करना है, तो एक तरीका है रिट्रेंचमेंट, कि उनको निकाल दे कि आप निकलो यहां से और बदले में कुछ कंपनसेशन दे दे। यहां एम्प्लॉई की कोई चॉइस नहीं, उसको जाना पड़ेगा, बदले में उसको मुआवजा मिलेगा, तो जो भी मुआवजा मिलेगा उसमें एग्जेम्पशन है। तो एग्जेम्पशन में 3 चीजें आप निकालोगे, जो लोअर है दैट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। इसमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ये तो पक्का रहेगा ही, व्हाई? बिकॉज सर जो अमाउंट मुआवजे में कंपनसेशन मिला है उससे ज्यादा एग्जेम्पशन तो नहीं हो सकता, एंड मैक्सिमम एग्जेम्पशन की लिमिट होती है 5 लाख, तो ये दो तो रहेंगी। असली आपका फोकस यहां होना चाहिए 15 बाई 26, 15 बाई 26 दो जगह आता है अपने हेड में, एक रिट्रेंचमेंट में और एक ग्रेच्युटी में। 15 बाई 26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, यहाँ सैलरी का मतलब है बाप एलसी, यहाँ सैलरी का मतलब क्या है बाप एलसी। लास्ट बाई 26 दो जगह आता है अपने हेड में, एक ये दो तो रहेंगी। उसे में कंपनसेशन मिला है उससे ज्यादा एग्जेम्पशन तो नहीं हो सकता, एंड मैक्सिमम एग्जेम्पशन की कोई चॉइस नहीं, उसको जाना पड़ेगा, बदले में उसको मुआवजा मिलेगा, तो जो भी मुआवजा मिलेगा उसमें एग्जेम्पशन है। तो एग्जेम्पशन में 3 चीजें आप निकालोगे, जो लोअर है दैट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। इसमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ये तो पक्का रहेगा ही, व्हाई? बिकॉज सर जो अमाउंट मुआ ठीक है इसमें मिलेगा और बदले में कुछ कंपनसेशन दे दे। यहाँ एम्प्लॉई की कोई चॉइस नहीं, उसको जाना पड़ेगा, बदले में उसको मुआवजा मिलेगा, तो जो भी मुआवजा मिलेगा उसमें एग्जेम्पशन है। तो एग्जेम्पशन में 3 चीजें आप निकालोगे, जो लोअर है दैट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। इसमें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ये तो पक्का रहेगा ही, व्हाई? बिकॉज सर जो अमाउंट मुआवजे में कंपनसेशन मिला है उससे ज्यादा एग्जेम्पशन तो नहीं हो सकता, एंड मैक्सिमम एग्जेम्पशन की लिमिट होती है 5 लाख, तो ये दो तो रहेंगी। असली आपका फोकस यहाँ होना चाहिए 15 बाई 26, 15 बाई 26 दो जगह आता है अपने हेड में, एक रिट्रेंचमेंट में और एक ग्रेच्युटी में। 15 बाई 26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, यहां सैलरी का मतलब है बाप एलसी, यहां एग्जेम्पशन है। तो एग्जेम्पशन में 3 लास्ट 3 मंथ्स, यहां सैलरी का मतलब है बाप एलसी, यहां सैलरी का मतलब क्या बाप एलसी, नीचे लिखा हुआ है बेसिक अलाउंस परक्विजिट बाप एलसी एलटीसी एंड कमीशन ऑफ एनी टाइप, ठीक है। इनटू कंप्लीटेड इयर्स और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, सीवाई मतलब कंप्लीटेड इयर्स, और अगर 6 मंथ से ज्यादा है तो उसका राउंड ऑफ अपवर्ड करके 1 ईयर कर देंगे, जैसे 20 साल 7 महीने तो 21 साल हो जाएगा, ठीक है। सो 3 चीजें आप कैलकुलेट करो, ज्यादा मेहनत फर्स्ट वाले में ये केवल कंपनसेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज हाउ मच, 15 बाई 26 इंटू एवरेज सैलरी लास्ट 3 मंथ्स इंटू कंप्लीटेड ईयर और पार्ट ऑफ नेक्स्ट ऑफ 6 मंथ्स, एक्चुअल अमाउंट रिसीव 5 लाख, जो लोएस्ट आएगा दैट मच इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। ये एक तरह का पिलोस है। दूसरा पिलोस है वीआरएस, यहां पर कंपनी आपको धक्का नहीं देगी बल्कि कंपनी एक ऑफर देगी कि जो लोग हमें छोड़ के जाना चाहें वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपको प्रायोरिटी मिलेगा, आप अगर जाओगे तो आपको इतना अमाउंट कंपनसेशन देंगे, दैट्स कॉल्ड वीआरएस। द डिफरेंस बिटवीन रिट्रेंचमेंट एंड वीआरएस इज कि वीआरएस में एम्प्लॉय के पास चॉइस है कि वो जाना चाहता है कि नहीं, रिट्रेंचमेंट में चॉइस नहीं है, रिट्रेंचमेंट भी आपको कंपनसेशन मिलेगा, वीआरएस में भी कंपनसेशन मिलेगा, दोनों ही केस में कंपनी मास स्केल में एम्प्लॉइज को रिड्यूस कर रही है। वीआरएस के बहुत सारे कंडीशंस वगैरह भी होते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। अब यहाँ वीआरएस के एग्जेम्पशन में 4 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, जो लोएस्ट से दैट मच इज एग्जेम्प्टेड, तो दो तो हम जानते हैं सर, एक होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि जितना वीआरएस मिला उससे ज्यादा एग्जेम्प्शन तो हो नहीं सकता, एंड मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख का। अब इसमें दो फॉर्मूले और कि वो जाना चाहता है कि नहीं, रिटेंशन में चॉइस नहीं है, रिटेंशन में भी आपको कंपनसेशन मिलेगा, वीआरएस में भी कंपनसेशन मिलेगा, दोनों ही केस में कंपनी मास स्केल में एम्प्लॉइज को रिड्यूस कर रही है। वीआरएस के बहुत सारे कंडीशंस वगैरह भी होते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है। अब यहां वीआरएस के एग्जेम्पशन में 4 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, जो लोएस्ट से दैट मच इज एग्जेम्प्टेड, तो दो तो हम जानते हैं सर, एक होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि जितना वीआरएस मिला उससे ज्यादा एग्जेम्प्शन तो हो नहीं सकता, एंड मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख का। अब इसमें दो फॉर्मूले और हैं जिनको हम लोग याद करने के लिए पास्ट और फ्यूचर बोलेंगे। सबसे पहले पास्ट, मैं जितने कंप्लीटेड ईयर्स काम कर चुका हूं, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स दैट आई हैव ऑलरेडी सर्वड इन द कंपनी, हर एक साल के लिए 3 महीने का सैलरी मेरे को मिलेगा,
तो अगर मैं कंपनी में 20 साल काम कर चुका हूं तो हर एक साल का 3 महीना यानी 20 साल इंटू 3 महीना 60 मंथ्स का सैलरी विल बी गिवन टू मी। सो पहला पॉइंट क्या है, 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, यहाँ फ्रैक्शन को इग्नोर करो, इंटू सैलरी। यहाँ सैलरी का मतलब एकदम सिंपल है जो हमेशा पूरे सैलरी चैप्टर में छाया हुआ, BD1C बेसिक, D1 मतलब DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एंड C मतलब कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, BD1C नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर जो आज तक मैं काम किया उस कंपनी में, फॉर दैट एवरी ईयर आई विल गेट 3 मंथ्स का सैलरी, ये फॉर्मुलेटेड लिमिट है 5 लाख का। अब यहाँ से क्यों जाना चाहता है कि नहीं, रिटेंशन में चॉइस नहीं है, रिटेंशन में भी आपको कंपनसेशन मिलेगा, वीआरएस में भी कंपनसेशन मिलेगा, दोनों ही केस में कंपनी मास स्केल में एम्प्लॉइज को रिड्यूस कर रही है। वीआरएस के बहुत सारे कंडीशंस वगैरह भी होते हैं थियोरेटिकली, ठीक है। अब यहाँ वीआरएस के एग्जेम्पशन में 4 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, जो लोएस्ट दैट मच इज एग्जेम्प्टेड, तो दो तो हम जानते हैं सर, एक होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि जितना वीआरएस मिला उससे ज्यादा एग्जेम्पशन तो हो नहीं सकता, एंड मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख का। अब इसमें दो फॉर्मूले और हैं जिनको हम लोग याद करने के लिए पास्ट और फ्यूचर बोलेंगे। सबसे पहले पास्ट, मैं जितने कंप्लीटेड ईयर्स काम कर चुका हूँ, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स दैट आई हैव ऑलरेडी सर्व्ड इन द कंपनी, हर एक साल के लिए 3 महीने का सैलरी मेरे को मिलेगा। तो अगर मैं कंपनी में 20 साल काम कर चुका हूं तो हर एक साल का 3 महीना यानी 20 साल इंटू 3 महीना 60 मंथ्स का सैलरी विल बी गिवन टू मी। सो पहला पॉइंट क्या है, 3 मंथ्स इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर, यहाँ फ्रैक्शन को इग्नोर करो, इंटू सैलरी। यहाँ सैलरी का मतलब एकदम सिंपल है जो हमेशा पूरे सैलरी चैप्टर में छाया हुआ, BD1C बेसिक, D1 मतलब DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एंड C मतलब कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, BD1C नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर जो आज तक मैं काम किया उस कंपनी में, फॉर दैट एवरी ईयर आई विल गेट 3 मंथ्स का सैलरी, ये फॉर्मूला है पहला वाला, इसको मैं प्यार से बोलूंगा पास्ट, सॉरी। सेकेंड फॉर्मूला है फ्यूचर, आज सपोज एम्प्लॉय की एक एज है रिटायरमेंट 60 ईयर्स पे होगा, तो अगर आज से लेके रिटायरमेंट एज तक जो पीरियड बचा हुआ है उसका फुल 12 मंथ्स करके सैलरी, हाँ सॉरी वो खांसी आ गई थी रुकना पड़ा। फ्यूचर का सेकंड वाले फॉर्मूले को मैं फ्यूचर बोलता हूँ, फ्यूचर मतलब जैसे एम्प्लॉई का एज है अभी लेट से 55 ईयर्स और 60 ईयर्स पर रिटायरमेंट होगा, तो अगर ये वीआरएस नहीं लेते तो 5 साल और काम करते तो 5 साल का फुल सैलरी, मतलब हर एक साल का पूरा 12 महीने का सैलरी, ठीक है। पास्ट और फ्यूचर ये दो फॉर्मूलाज है, दोनों में ही सैलरी का मतलब है BD1C। पास्ट वाले केस में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स में हर साल के लिए 3 महीने की सैलरी, जबकि फ्यूचर के लिए जितना भी साल है और हर एक साल का पूरा 12 महीने का सैलरी फुल लेना है अपने को, तो वो सेकंड फॉर्मूला अपने कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग मंथ्स टू रिटायरमेंट इनटू सैलरी। और फिर दो आइटम है, 4 मंथ्स जो लोअर आएगा दैट इज द आंसर, दैट इज द एग्जेम्पशन। ये था सर पिलोस का दो एग्जाम्पल, ऐसे पिलोस बहुत बड़ा है पर ये दो मेन एग्जाम्पल्स हैं, ओके। सो दैट वाज आवर रिवीजन फॉर टुडे, LTC एंड पिलोस, थैंक यू। टॉपिक मैंने पिलोस बहुत, उसमें दो मेन एग्जांपल चमक कर हमारे सामने आते हैं पिलोस के अंदर, एक है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और एक है वीआरएस। इन दोनों में ही सेक्शन नंबर 10 के अंदर कुछ एग्जेम्पशन मिलता है। प्रॉफिट इन लियू ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है, इट मींस कि कंपनी आपको लमसम कुछ अमाउंट दे रही है आपकी सैलरी के बदले, कुछ लमसम अमाउंट दे रही है, इट कैन बी बिफोर एम्प्लॉयमेंट, इट कैन बी आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, समटाइम्स इट कैन बी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। इवन ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट्स दैट यू स्टडी, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव, सैलरी, ऑल दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पिलोस ओनली, वो भी पिलोस के डेफिनेशन में ही कवर होता है, पर उसको सेपरेटली इज्जत देकर अलग से पढ़ा जाता है। ये दो एग्जांपल जो आप देख रहे हो किस चीज के हैं, अगर कोई कंपनी को मास लेवल पे अपने एम्प्लॉइज कम करने, मतलब सपोज 5000 एम्प्लॉइज है और उनको 1000 एम्प्लॉय 20% कम करना है, तो एक तरीका है रिट्रेंचमेंट, कि उनको निकाल दे कि आप निकलो यहां से और बदले में कुछ कंपनसेशन दे दे। यहां एम्प्लॉय की कोई चॉइस नहीं, उसको जाना पड़ेगा, बदले में उसको मुआवजा मिलेगा, तो जो भी मुआवजा मिलेगा उसमें एग्जेम्पशन है। और हमारे सामने अपीलों में बहुत नहीं है का जो
बहुत डिटेल में, अति ज्यादा डिटेल में, यहां मैं उसका क्विकली रिवीजन करा रहा हूं। वो दो टॉपिक्स था, एलटीसी एंड पिलोस। एलटीसी स्टैंड्स फॉर लीव ट्रैवल कंसेशन, एंड पिलोस मतलब होता है प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी, जिसके अंदर दो टॉपिक आता है, रिटेंशन कंपनसेशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सबसे पहले हम लोग के सामने है लीव ट्रैवल कंसेशन। इसमें जो एग्जेम्पशन है वो सेक्शन नंबर 10 में बताया हुआ है, सेक्शन नंबर 17 में नहीं, सेक्शन नंबर 10 में, जो एग्जेम्पशन का महा सेक्शन है और महा चैप्टर है, उसमें बोला हुआ है कि अगर आपकी कंपनी मतलब जहां आप जॉब करते हो, अगर वो लोग आप कहीं वेकेशन के लिए जा रहे हो और उसमें आपका और आपके परिवार वालों का आने जाने का ट्रैवल का जो खर्च लग रहा है वो कंपनी अगर अपनी तरफ से दे रही है तो दैट इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, जब आप वेकेशन पे जाते हो ना तो बहुत तरह के खर्चे होते हैं, जैसे सपोज आप रहते मुंबई में हो और आप घूमने के लिए जयपुर जा रहे हो, तो मुंबई टू जयपुर, जयपुर टू मुंबई का ट्रैवल एक्सपेंस, फिर जयपुर में जाके होटल में रुकोगे वो खर्चा, फिर जयपुर में आप गाड़ी बुक करोगे ताकि आप जयपुर के अंदर ही अलग अलग जाके या बगल के शहरों में जाके घूम सको, वहां के जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो खर्च, खाने पीने का खर्च होता है, शॉपिंग का खर्च होता है, तो सारी चीजों के लिए एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन इज ओनली फॉर द ट्रैवल एक्सपेंडिचर, जो मेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर ना आपका आपका परिवार वालों का फ्रॉम मुंबई टू जयपुर एंड जयपुर टू मुंबई, ओनली दैट एक्सपेंडिचर इज एग्जेम्प्टेड अप टू सम अमाउंट। ठीक है, ये है लीव ट्रैवल कंसेशन। इसको लीव ट्रैवल इसे बोलते हैं बिकॉज एक तो लीव मिल रही कंपनी से आपको, छुट्टी प्लस आप ट्रैवल करने जा रहे हो। इसमें एग्जेम्पशन कितना होता है, इन्होंने चार अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग के बारे में बात किया है, एरोप्लेन, रेलवे इनका फेवरेट, बस या एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हो तो एग्जेम्पशन इज इक्वल टू लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय द कंपनी और इकोनॉमी क्लास की जो एयर टिकट होती है, विच एवर इज लोअर। अगर रेलवे से जा रहे हो तो एक्चुअल एक्सपेंस या फिर फर्स्ट क्लास एसी का जो टिकट का रेट होता है वो, अगर बस से जा रहे हो तो एक्चुअल एक्सपेंस या डीलक्स सीट का जो पैसा लगता है बस में वो, और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर आप जा रहे हो तो एक्चुअल एक्सपेंस या फिर फर्स्ट क्लास एसी जितना जो रेट होता है, विच एवर इज लोअर, उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये जो लीव ट्रैवल कंसेशन आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है आपके लिए भी है और आपके परिवार वालों के लिए भी। फैमिली का डेफिनेशन सेक्शन 10 में दिया हुआ है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट के लिए भी है और आपके परिवार वालों के लिए भी। फैमिली का डेफिनेशन सेक्शन 10 में दिया हुआ है। ये जो लीव ट्रैवल कंसेशन आपको एग्जेम्पशन मिल रहा है आपके लिए भी है और आपके परिवार वालों के लिए भी। फैमिली का डिफरेंशियल सेक्शन 10 में दिया हुआ है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, नेक्स्ट डिपेंडेंट पेरेंट्स ब्रदर्स सिस्टर्स, ये फैमिली है। यहां पर जो एलटीसी का कंसेशन मिलेगा ट्रैवल का वो अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है, लेकिन अगर आपके सिंगल चाइल्ड के बाद बाद में मल्टीपल बर्थ हो रहे हैं जैसे ट्विंस वगैरह हो रहे हैं तो फिर सबका 3 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। द एलटीसी एग्जेम्पशन कैन बी क्लेम्ड बाय यू ओनली फॉर 2 जर्नीज इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर, 4 कैलेंडर ईयर का जो ब्लॉक होता है उसमें से कोई 2 जर्नी के लिए आप एलटीसी क्लेम कर सकते हो, सारे जर्नीज के लिए आप एलटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है ट्रैवल परक्विजिट। ठीक है, मैं पहले इसको बता देता हूं फिर अंदर का देख लेंगे। वहां पे ट्रैवल एंड एकोमोडेशन परक्विजिट, ये सेक्शन नंबर 17 के अंदर आता है कि आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हो तो कंपनी ने आपके ट्रैवल का और वहां होटल में एकोमोडेशन का रुकने का खर्चा वगैरह कंपनी ने आपको पे किया है, तो दैट्स अ परक्विजिट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 एंड रूल 3 ट्रैवल एंड एकोमोडेशन परक्विजिट पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है। दे हैव जस्ट सेड कि परक्विजिट वैल्यू विल बी द एक्चुअल एक्सपेंस पेड बाय द बॉस और द मार्केट रेट ऑफ द एक्सपेंडिचर, ये होगा आपका परक्विजिट वैल्यू, दे डोंट गिव एनी एग्जेम्पशन। यहीं तक एक बेचारा स्टूडेंट फंस जाएगा, वो एग्जाम में जो क्वेश्चन पड़ेगा कि कंपनी ने उसके ट्रैवल का खर्चा उसको रीइंबर्स किया है, तो वो सोचेगा सर ये एलटीसी में जाएगा कि ट्रैवल एंड एकोमोडेशन परक्विजिट में, हम कैसे सोचेंगे? तो मैं आपको बता देता हूं, 3 हिंट्स है। अगर क्वेश्चन के अंदर एलटीसी बोला हुआ लीव ट्रैवल कंसेशन तब तो आप समझ लो ये एलटीसी का क्वेश्चन है और आपको एग्जेम्पशन देना है। सेकंड हिंट, इन्फॉर्मेशन पढ़ो क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोला 4 कैलेंडर ईयर्स का ब्लॉक में 2 जर्नी या फिर उन्होंने बोला इकोनॉमी क्लास का भाड़ा, फर्स्ट क्लास एसी, ये सब बातें बोली है तो ये एलटीसी के टॉपिक से कनेक्टेड है, तो एलटीसी को मान के फिर सॉल्व करना। थर्ड, अगर क्वेश्चन एग्जेम्पशन की बात कर रहा है तो भी इसका मतलब एलटीसी, बिकॉज एग्जेम्पशन का सेक्शन 10 एलटीसी है। ये 3 हिंट से आप समझ जाओगे कि एलटीसी का क्वेश्चन है और ये सब नहीं है तो आप समझ जाओगे कि वो ट्रैवल और एकोमोडेशन परपज का क्वेश्चन है जहां कुछ एग्जेम्पशन नहीं होता, इट्स ऑल फुल्ली टैक्सेबल। मैंने कंपैरिजन ड्रॉ कर रखा है तुम्हारे सामने, एलटीसी इज कवर्ड इन सेक्शन 10, इसमें एग्जेम्पशन मिलता है फॉर ट्रैवलिंग कॉस्ट। ऑन दी अदर हैंड ट्रैवल एकोमोडेशन का जो परपजिट है वो सेक्शन 17 में आता है, वहां कोई एग्जेम्पशन नहीं है। द परपजिट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ एक्सपेंडिचर और द एक्चुअल कॉस्ट पेड बाय योर कंपनी। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना और ये 3 हिंट याद रखना जिससे हम समझ पाएंगे एग्जाम में कि क्वेश्चन एलटीसी के बारे में कि ट्रैवल एकोमोडेशन परपजिट के बारे में।
ट्रैवल एकोमोडेशन का जो परक्विजिट है वो सेक्शन 17 में आता है, वहां कोई एग्जेम्पशन नहीं है. द परक्विजिट वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट रेट ऑफ एक्सपेंडिचर. और आज हम लोगों ने परक्विजिट सीखा. परक्विजिट सैलरीज पूरे टॉपिक के अंदर, सैलरीज हेडिंग के अंदर सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. परक्विजिट में हमारे सिलेबस में टोटल 11 परक्विजिट है. ऑब्वियसली एक क्लास में नहीं हो सकता, परक्विजिट की तीन क्लासेस होती है. आज पहली क्लास थी, तो पहली क्लास के अंदर परक्विजिट का पूरा बेस और इंट्रोडक्शन मैंने दिया था. एंड आई ऑल्सो डिस्कस द मोस्ट फेमस परक्विजिट. नंबर वन, रेंट फ्री अकोमोडेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट परक्विजिट होता है आरएफए, और ये हर सम्स में होता है. कोई भी सैलरी कंपटीशन का सम उठा लो, उसमें तुमको रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला परक्विजिट तो मिलना ही है. तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. तो अभी जो भी आज पढ़ा है शॉर्ट में रिकैप कर देते हैं. दो पेज मेरे सामने भी है, फटाक से करते हैं. परक्विजिट सर कौन से सेक्शन नंबर में दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 17. और परक्विजिट के कैलकुलेशन जितने भी वो रूल नंबर 3 में दिया हुआ है, सेक्शन 17 रूल 3. क्या सर हम लोगों को सेक्शन नंबर और रूल नंबर याद रखना है कि नहीं याद नहीं रखना है? टोटल परक्विजिट कितने? 11 परक्विजिट. आज पहली क्लास थी, तो इसमें परक्विजिट का इंट्रोडक्शन के साथ फर्स्ट परक्विजिट डिस्कस हुआ था. बाकी सारे परक्विजिट धीरे धीरे आने वाले दो क्लास में डिस्कस किए जाएंगे. अब परक्विजिट का मैं तुमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं. ये मेरा टीचर्स नोट, लुक एट मी केयरफुली. परक्विजिट टॉपिक इज नॉट अबाउट एग्जेम्पशन. इट्स नॉट अबाउट एग्जेम्पशन. जैसे आप अलाउंसेस पढ़ते हो तो आपका फोकस क्या होता है कि आई वांट टू नो कि अलाउंसेस में कौन कौन से जगह एग्जेम्पशन है. परक्विजिट में वो फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए. परक्विजिट में मैं आपको बता देता हूं, केवल जो छोटे मोटे परक्विजिट होते हैं ना उसमें थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन है. जो बड़े वाले परक्विजिट होते हैं उसमें एग्जेम्पशन होता ही नहीं है. परक्विजिट देता हूं, केवल जो छोटे टू नो कि अलाउंसेस में कौन कौन से जगह एग्जेम्पशन है. परक्विजिट में वो फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए. परक्विजिट में मैं आपको बता देता हूं, केवल जो छोटे मोटे परक्विजिट होते हैं ना उसमें थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन है. जो बड़े वाले परक्विजिट होते हैं उसमें एग्जेम्पशन होता ही नहीं है. परक्विजिट कुछ और ही है. व्हाट इज इट? सबसे पहले तो परक्विजिट होता क्या है? अगर कंपनी आपने एम्प्लॉई को कोई सुविधा या कोई फैसिलिटी दे रही है तो उसको हम लोग परक्विजिट कहते हैं. कहने को तो दो प्रकार के परक्विजिट है, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी. मॉनिटरी परक्विजिट का मतलब है कि एम्प्लॉई ने कोई खर्चा किया और बिल आके कंपनी को दिया, कंपनी ने रीइंबर्समेंट कर दिया, तो रीइंबर्समेंट से मॉनिटरी परक्विजिट. पर वो उतना फेमस नहीं है, उतना काम का नहीं है. असली परक्विजिट जो होता है वो होता है नॉन मॉनिटरी परक्विजिट. नॉन मॉनिटरी परक्विजिट का मतलब क्या है कि कंपनी डायरेक्टली आपको पैसा देने के बजाय सीधा फैसिलिटी दे रहा है. जैसे रहने के लिए घर दे दिया, यूज करने के लिए गाड़ी दे दिया, घर में सर्वेंट कीपर वगैरह प्रोवाइड कर दिया एक्सेट्रा. तो डायरेक्टली कंपनी इज गिविंग फैसिलिटी टू द एम्प्लॉई. नाउ द क्वेश्चन इज, मोस्ट ऑफ द परक्विजिट्स आर नॉन मॉनिटरी नेचर. पर जब आप सैलरी कंपटीशन बनाओगे किसी भी एम्प्लॉई का, तो कंपनी की तरफ से जो उसको बेनिफिट मिला है नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, उसका तो कुछ अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बाहर डालना पड़ेगा आउटर कॉलम में. सो यू विल हैव टू कैलकुलेट द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द नॉन मॉनिटरी परक्विजिट. मतलब कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दिया, ये तो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट है. अब इसका एक्जैक्टली बेनिफिट रुपीज टर्म्स में आपको कैलकुलेट करना है, ताकि उस एम्प्लॉई की सैलरी कंपटीशन में बाहर लिख सको. तो हर नॉन मॉनिटरी परक्विजिट के लिए वी हैव टू कैलकुलेट परक्विजिट वैल्यू, पीवी. हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ता है? पीवी, परक्विजिट वैल्यू. इट्स अ मॉनिटरी अमाउंट और द बेनिफिट ऑफ द फैसिलिटी गिवन टू द एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर. तो उसका एक मॉनिटरी अमाउंट निकालते हैं. इसको परक्विजिट वैल्यू के ना अलग अलग फॉर्मुला होते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मुला नहीं है. ये देखो आप 11 परक्विजिट है ना, हर जगह परक्विजिट वैल्यू निकालने का फॉर्मुला अलग है. ये सारे जो परक्विजिट वैल्यू निकालने के फॉर्मुला है कहां दिए हुए? रूल 3 में. परक्विजिट्स आर टैक्सेबल ओनली इफ अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय. अब कंपनी ने सपोज अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर अलॉट कर दिया, पर वो उसमें रह ही नहीं रहा है, तो उसका फिर परक्विजिट वैल्यू काउंट नहीं होगा. लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स, छोटे मोटे परक्विजिट्स हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, जो हमें याद रखना जरूरी है. नंबर वन, टेलीफोन मोबाइल बिल. टेलीफोन मोबाइल का अगर कंपनी अलाउंस देती है फुली टैक्सेबल, परक्विजिट देती है तो फुली एग्जेम्प्ट. इसके अलावा तीन तरह के इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो अगर कंपनी पे करे अपने एम्प्लॉय के लिए तो एग्जेम्प्ट होता है. हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवरेज और ग्रुप स्टाफ इंश्योरेंस स्कीम. अगर कंपनी कोई ट्रेनिंग कोर्स कराए या अपने सारे एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट. टैक्सेबल ओनली अलाउ होते हैं कोई स्टैंडर्ड फॉर एम्प्लॉई, बाय करना पड़ता है पीवी, परक्विजिट वैल्यू. इट्स अ मॉनिटरी अमाउंट. इफ इट मॉनिटरी, इफ इट आपने सर कौन से सेक्शन नंबर में दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 17. और परक्विजिट के कैलकुलेशन जितने भी वो रूल परक्विजिट. आज पहली क्लास थी, तो इसमें परक्विजिट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं. ये मेरा टीचर्स नोट, लुक एट मी केयरफुली. परक्विजिट टॉपिक इज नॉट अबाउट एग्जेम्प्शन. में वो फोकस परक्विजिट होते हैं उसमें एग्जेम्प्शन होता ही नहीं है. कोई फैसिलिटी दे रही है तो उसको हम लोग परक्विजिट ला के कंपनी को दिया, कंपनी ने रीइंबर्समेंट कर दिया. परक्विजिट का मतलब क्या है कि कंपनी डायरेक्टली आपको पैसा देने के बजाय सीधा फैसिलिटी दे रहा है, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, यूज कर. नाउ द क्वेश्चन इज, मोस्ट ऑफ द परक्विजिट्स आर नॉन मॉनिटरी नेचर. पर जब आप सैलरी कंपटीशन बनाओगे किसी भी एम्प्लॉई का, तो कंपनी की तरफ से जो उसको बेनिफिट मिला है नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, उसका तो कुछ अमाउंट कैलकुलेट करके आपको बाहर डालना पड़ेगा आउटर कॉलम में. सो यू विल हैव टू कैलकुलेट द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द नॉन मॉनिटरी परक्विजिट. मतलब कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दिया, ये तो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट है. अब इसका एग्जैक्टली बेनिफिट रुपीज टर्म्स में आपको कैलकुलेट करना है, ताकि उस एम्प्लॉई की सैलरी कंपटीशन में बाहर लिख सको. तो हर नॉन मॉनिटरी परक्विजिट के लिए वी हैव टू कैलकुलेट परक्विजिट वैल्यू, पीवी. हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ता है? पीवी, परक्विजिट वैल्यू. इट्स अ मॉनिटरी अमाउंट और द बेनिफिट ऑफ द फैसिलिटी गिवन टू द एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर. तो उसका एक मॉनिटरी अमाउंट हम लोग निकालते हैं. इसको परक्विजिट वैल्यू के ना अलग अलग फॉर्मुला होते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मुला नहीं है. ये देखो आप 11 परक्विजिट है ना, हर जगह परक्विजिट वैल्यू निकालने का फॉर्मुला अलग है. ये सारे जो परक्विजिट वैल्यू निकालने के फॉर्मुला कहां दिए हुए? रूल 3 में. परक्विजिट्स आर टैक्सेबल ओनली इफ अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय. अब कंपनी ने सपोज अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर अलॉट कर दिया, पर वो उसमें रह ही नहीं रहा है, तो उसका फिर परक्विजिट वैल्यू काउंट नहीं होगा. लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स, छोटे मोटे परक्विजिट्स हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, जो हमें याद रखना जरूरी है. नंबर वन, टेलीफोन मोबाइल बिल. टेलीफोन मोबाइल का अगर कंपनी अलाउंस देती है फुली टैक्सेबल, परक्विजिट देती है तो फुली एग्जेम्प्ट. इसके अलावा तीन तरह के इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो अगर कंपनी
परक्विजिट है ना, हर जगह परक्विजिट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अलग है। ये सारे जो परक्विजिट वैल्यू निकालने के फॉर्मूला कहां दिए हुए, रूल थ्री में। परक्विजिट्स आर टैक्सेबल ओनली इफ अवेल्ड बाय द पीवी, परक्विजिट वैल्यू इट्स अ मॉनेटरी अमाउंट और द बेनिफिट ऑफ द फैसिलिटी गिवन टू द एम्प्लॉई बाय द एम्प्लॉयर। तो उसका एक मॉनेटरी अमाउंट हम निकालते हैं। इसको परक्विजिट वैल्यू के ना अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। ये देखो आप 11 परक्विजिट है ना, हर जगह परक्विजिट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला अलग है। ये सारे जो परक्विजिट वैल्यू निकालने के फॉर्मूला कहां दिए हुए, रूल थ्री में। परक्विजिट्स आर टैक्सेबल ओनली इफ अवेल्ड बाय द एम्प्लॉई। अब कंपनी ने सपोज अपने एम्प्लॉई को रहने के लिए घर अलॉट कर दिया पर वो उसमें रह ही नहीं रहा है, तो उसका फिर परक्विजिट वैल्यू काउंट नहीं होगा। लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स, छोटे मोटे परक्विजिट से जो एग्जेम्प्ट होते हैं, जो हमें याद रखना जरूरी है। नंबर वन, टेलीफोन मोबाइल बिल। टेलीफोन मोबाइल का अगर कंपनी अलाउंस देती है फुली टैक्सेबल, परक्विजिट देती है तो फुली एग्जेम्प्ट। इसके अलावा तीन तरह के इंश्योरेंस प्रीमियम है जो अगर कंपनी पे करे अपने एम्प्लॉय के लिए तो एग्जेम्प्ट होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवरेज और ग्रुप स्टाफ इंश्योरेंस स्कीम।
अपने एम्प्लॉय के लिए तो एग्जेम्प्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवरेज और ग्रुप स्टाफ इंश्योरेंस स्कीम। अगर कंपनी कोई ट्रेनिंग कोर्स कराए या अपने सारे एम्प्लॉयज को क्लब या थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं जिम वगैरह का फैसिलिटीज दे तो वो एग्जेम्प्ट होता है। इफ द एम्प्लॉयर पेज द टैक्स ऑन द नॉन मॉनेटरी परपोज, जैसे कि एम्प्लॉय को नॉन मॉनेटरी परपोज मिला, अब उसके ऊपर भी जो टैक्स का अमाउंट निकल के आएगा वो बॉस खुद ही पे कर रहा है, तो इट इज एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय बट इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द बॉस, इन द सेंस कि कंपनी का जब पीजीबीपी का कंपटीशन होगा तो उसमें उसको उस टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परपोज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड परपोजेस। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए हूं बिकॉज ये रिवीजन क्लास है। अब पहला वाला परपोज सबसे फेमस है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो हर समय आता है उसको याद रखने का मैं तुमको तरीका बता रहा हूं। ये एक चार्ट आप देख रहे हो, इस चार्ट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, यू डोंट हैव टू रीड ऑल इन्फॉर्मेशन, एक फॉर्मुला बस सिंपल सा मैं बोल रहा हूं वो याद रखना। ठीक है, व्हाट इज द परक्विजिट वैल्यू ऑफ द घर, इफ द कंपनी गिव्स यू अ घर टू लिव इन विद योर फैमिली, उसका परक्विजिट वैल्यू एकदम सिंपल है, तुम सिर्फ याद करोगे एक ही चीज, 15% ऑफ सैलरी, एकदम सिंपल। ठीक है, कंपनी ने रहने के लिए आपको घर दिया तो उसका परक्विजिट वैल्यू कितना है, 15% ऑफ सैलरी, एकदम सिंपल। सैलरी में यहाँ क्या क्या आएगा सर, BA, BC, DM, ठीक है, क्या क्या आएगा, BA, BC, DM, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन, बोनस, कमीशन, डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट। तो ये छह चीजें आती है, बस 15% कैलकुलेट किया, काम बन गया। बीए बीसीडीएम क्या होता है ये रहा देख लो। ठीक है, बीए बीसीडीएम जब हम लोग हाउस रेंट अलाउंस पढ़ते हैं तो वहां पे जब एग्जेम्पशन मिलता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40-50% ऑफ सैलरी, वहां सैलरी का फॉर्मुला अलग होता है, वो होता है BD1C। यहां पे रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या है, बीए बीसी डीएम। ठीक है, बेसिकली ये सारे मॉनेटरी पेमेंट्स है, बेसिक पे, अलाउंस, बोनस, कमीशन, ऑल दीज आर मॉनेटरी पेमेंट्स। तो ये आप कैलकुलेट करोगे। आरएफए में एक स्टूडेंट को शुरू में दिक्कत नहीं होती पर बाद में जाकर जब वो सम्स वगैरह करता है उसको दिक्कत होती है, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, एकदम सिंपल। सॉल्व करने का दो ट्रिक है, फर्स्ट आप सबसे पहले सम्स में सैलरी कैलकुलेट करो, बीए बीसी डीएम, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप बीए बीसी डीएम कैलकुलेट करो सैलरी, फिर सेकंड स्टेप है अब आप कैलकुलेट करो कि रेंट फ्री अकोमोडेशन का पूरा परक्विजिट वैल्यू क्या है, 15% ऑफ सैलरी, या फिर अगर कंपनी का कंपनी ने CCDM। जब हम लोग हाउस रेंट अलाउंस पढ़ते हैं तो वहां पे जब एग्जेम्पशन मिलता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40-50% सैलरी, वहां सैलरी का फॉर्मुला अलग होता है, वो होता है BD1C, एग्जेम्प्शन बेनिफिट एंड एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट। तो ये छह चीजें आती है, बस 15% कैलकुलेट किया, कंपनशन परक्विजिट वैल्यू कितना है, 15% ऑफ सैलरी, एकदम सिंपल। सैलरी में यहां क्या क्या आएगा सर, बीए बीसी डीएम। ठीक है, क्या क्या आएगा, बीए बीसी डीएम, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस का टैक्सेबल पोर्शन, बोनस, कमीशन, डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट। तो ये छह चीजें आती है, बस 15% कैलकुलेट किया, काम बन गया। बीए बीसीडीएम क्या होता है ये रहा देख लो। ठीक है, बीए बीसीडीएम जब हम लोग हाउस रेंट अलाउंस पढ़ते हैं तो वहां पे जब एग्जेम्पशन मिलता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40-50% सैलरी, वहां सैलरी का फॉर्मुला अलग होता है, वो होता है BD1C। यहां पे रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या है, बीए बीसीडीएम। ठीक है, बेसिकली ये सारे मॉनेटरी पेमेंट्स, वो डीएनएस अलाउंस पढ़ते हैं तो वहां पे जब एग्जेम्पशन मिलता है एंड एनी अदर मॉनेटरी पेमेंट। तो ये छह चीजें आती है, बस 15% कैलकुलेट किया, काम बन गया। बीए बीसीडीएम क्या होता है ये रहा देख लो। ठीक है, बीए बीसीडीएम जब हम लोग हाउस रेंट अलाउंस पढ़ते हैं तो वहां पे जब एग्जेम्पशन मिलता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40-50% ऑफ सैलरी, वहां सैलरी का फॉर्मुला अलग होता है, वो होता है BD1C। यहां पे रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या है, बीए बीसीडीएम। ठीक है, परसेंट ऑफ सैलरी, वहां सैलरी का फॉर्मुला क्या, काम बन गया। बीए बीसीडीएम क्या होता है ये रहा देख लो। ठीक है, बीए बीसीडीएम जब हम लोग हाउस रेंट अलाउंस पढ़ते हैं तो वहां पे जब एग्जेम्पशन मिलता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40-50% ऑफ सैलरी, वहां सैलरी का फॉर्मुला अलग होता है, वो होता है BD1C। यहां पे रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या है, बीए बीसीडीएम। ठीक है, बेसिकली ये सारे मॉनेटरी पेमेंट्स है, बेसिक पे, अलाउंस, बोनस, कमीशन, ऑल दीज आर मॉनेटरी पेमेंट्स। तो ये आप कैलकुलेट करोगे। आरएफए में एक स्टूडेंट को शुरू में दिक्कत नहीं होती पर बाद में जाकर जब वो सम्स वगैरह करता है उसको दिक्कत होती है, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, एकदम सिंपल। सॉल्व करने का दो ट्रिक है, फर्स्ट आप सबसे पहले सम्स में सैलरी कैलकुलेट करो, बीए बीसीडीएम, दैट्स द फर्स्ट स्टेप।
ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप बीए बीसीडीएम कैलकुलेट करो सैलरी, फिर सेकंड स्टेप है अब आप कैलकुलेट करो कि रेंट फ्री अकोमोडेशन का पूरा परक्विजिट वैल्यू क्या है, 15% ऑफ सैलरी, या फिर अगर कंपनी का कंपनी ने वो प्रॉपर्टी खुद रेंट पे लेके एम्प्लॉय को दिया है तो रेंट चार्जेस, दो चीज निकलेगा 15% ऑफ सैलरी रेंट चार्जेस, व्हिच एवर इज लोअर, दैट इज द परक्विजिट वैल्यू। अब अगर उसमें कंपनी ने आपको फर्नीचर वगैरह भी दिया है तो आप ऐड कर दो, अगर ओन फर्नीचर है तो 10% ऑफ कॉस्ट, अगर हायर फर्नीचर तो हायर चार्जेस वो ऐड कर दो, आ जाएगा आपका परक्विजिट वैल्यू। एम्प्लॉई से अगर कंपनी कुछ कंसेशनल रेंट या छोटा मोटा रेंट कलेक्ट कर रही है तो माइनस कर दो, दैट गिव्स यू परक्विजिट वैल्यू। इंपॉर्टेंट ये मेन चीज याद रखो 15% ऑफ सैलरी, बाकी सब ना आनी जानी है, मैं बता रहा हूं मेन क्या है, घर मिला है कंपनी की तरफ से व्हाट इज द परक्विजिट वैल्यू, 15% ऑफ सैलरी, सैलरी का फॉर्मूला बीए बीसी डीएम। जब भी तुम कैलकुलेट करो मेक टू वर्किंग नोट्स, फर्स्ट वर्किंग नोट कंप्यूट सैलरी बीए बीसी डीएम, सेकंड वर्किंग नोट परक्विजिट वैल्यू का 15% ऑफ सैलरी, और अगर रेंट पे घर है तो ऐड कर दो व्हिच एवर इज लोअर, फिर फर्नीचर का चार्जेस ऐड कर दो, इस तरह से। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का रिवीजन, और भी परक्विजिट्स है वो हम लोग आगे क्लास में करेंगे, तब बाकी सब ना आनी जानी है, मैं बता रहा हूं मेन क्या है, घर मिला है कंपनी की तरफ से व्हाट इज द परक्विजिट वैल्यू, 15% ऑफ सैलरी, सैलरी का फॉर्मूला बीए बीसी डीएम। जब भी तुम कैलकुलेट करो मेक टू वर्किंग नोट्स, फर्स्ट वर्किंग नोट कंप्यूट सैलरी बी ए बी सी डी एम, सेकंड वर्किंग नोट परक्विजिट वैल्यू का 15% सैलरी, और अगर रेंट पे घर है तो ऐड कर दो एवरेज लोअर, फिर फंड सेकंड वर्किंग नोट परक्विजिट वैल्यू का 15% सैलरी, और अगर रेंट पे घर है तो ऐड कर दो व्हिच एवरेज लोअर, फिर फर्नीचर का चार्जेस ऐड कर दो, इस तरह से। ठीक है, 15% सैलरी, और अगर रेंट पे घर है तो ऐड कर दो व्हिच एवरेज लोअर, फिर फर्नीचर का चार्जेस ऐड कर दो, इस तरह से। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का रिवीजन, और भी पर्पजेस से वो हम लोग आगे क्लास में करेंगे, तब रिवाइज कराऊंगा। थैंक यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपनी सैलरीज की में करा रहा हूं, बिफोर स्टार्टिंग विद द रिवीजन एक गुड न्यूज शेयर कर रहा हूं, इस बैच में 5 रजिस्टर हो चुके हैं, इसका बैच ये पूरे स्टूडेंट ऑफ, सो फोर्थ क्लास रेंट फ्री अकोमोडेशन में कुछ स्पेशल केसेस जो बचे हुए थे, पिछले क्लास में तो रेंट फ्री अकोमोडेशन हो ही चुका था, पर कुछ स्पेशल केसेस बचे हुए थे वो मैंने डिस्कस किया था। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दो अलग अलग लोकेशन पे घर दे रहा है, ट्रांसफर हुआ है, तो टेम्पररी पहले वाला घर भी मिला हुआ है, नया वाला घर भी मिला हुआ है, तब उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको केसेस बचे हुए थे वो मैंने डिस्कस किया था, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दो अलग अलग लोकेशन पे घर दे रहा है, ट्रांसफर हुआ है, तो टेम्पररी पहले वाला घर भी मिला हुआ है, नया वाला घर भी मिला हुआ है, तब उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको 90 दिन का टाइम देंगे टू शिफ्ट टू वन प्लेस, 90 दिन का टाइम चाहिए 3 महीने का एडजस्टमेंट्स के लिए कि बच्चों की स्कूल शिफ्ट करानी पड़ेगी वगैरह वगैरह, तो 3 महीने का टाइम देंगे, तो 90 दिन तक दोनों घर में से किसी एक घर का ही हम परक्विजिट वैल्यू टैक्स करेंगे, ओके, जो भी लोअर होगा वही हम लोग चुनेंगे। लेकिन 90 दिन के बाद अगर आप फिर भी दोनों जगह घर मेंटेन करके रखे हो तो आपका डबल आरएफए पे परक्विजिट लगेगा, आरएफए 1 पे भी आरएफए 2 पे भी। ये रहा इसका समरी, देखो फॉर फर्स्ट 90 डेज पर द वन ऑफ द हाउसेस विद लोअर परक्विजिट वैल्यू, फॉर आफ्टर दैट आरएफए 1 प्लस आरएफए 2। नेक्स्ट सेकंड वाला होटल अकोमोडेशन, इसमें दो सिचुएशन है, पहला सिचुएशन होटल इंडस्ट्री में होता है, जो 5-स्टार होटल्स वगैरह होते हैं ना उनमें जो टॉप मैनेजर सीनियर मैनेजर होते हैं उनको होटल के अंदर ही एक रूम दे दिया जाता है रहने के लिए परिवार के साथ, तो ऑब्वियसली वहां पर हम लोग परक्विजिट वैल्यू 15% सैलरी नहीं लगाएंगे, होटल है कॉस्टली है तो 24% सैलरी लगाएंगे, तो वहां परक्विजिट वैल्यू होता है 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस व्हिचएवर इज लोअर। अगर होटल में टेंपरेरी पोस्टिंग किया गया ऑफिशियल पर्पस के लिए तब तो ऐसे ही वो जीरो है, उसका ऑफिशियल पर्पस के लिए तो आप जानते हो परक्विजिट जीरो है, रेसिडेंस पर्पस के लिए अगर होटल रूम दिया गया है तो फिर 24% ऑफ सैलरी इसमें, और सीनियर मैनेजर होते हैं उनको होटल के अंदर ही एक रूम दे दिया जाता है रहने के लिए परिवार के साथ, तो ऑब्वियसली वाला होटल लेकिन 90 किसी एक घर का ही हम
परक्विजिट वैल्यू टैक्स करेंगे, ओके जो भी लोअर होगा वही हम लोग चुनेंगे। लेकिन 90 दिन के बाद अगर आप फिर भी दोनों जगह घर मेंटेन करके रखे हो तो आपका डबल आरएफए पे परक्विजिट लगेगा, आरएफए 1 पे भी आरएफए 2 पे भी। ये रहा इसका समरी, देखो फॉर फर्स्ट 90 डेज पर द वन ऑफ द हाउसेस विद लोअर परक्विजिट वैल्यू, फॉर आफ्टर दैट आरएफए 1 प्लस आरएफए 2। नेक्स्ट सेकंड वाला होटल एकोमोडेशन, इसमें दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन होटल इंडस्ट्री में होता है, जो फाइव स्टार होटल्स वगैरह होते हैं ना उनमें जो टॉप मैनेजर सीनियर मैनेजर होते हैं उनको होटल के अंदर ही एक रूम दे दिया जाता है रहने के लिए परिवार के साथ। तो ऑब्वियसली वहां पर हम लोग परक्विजिट वैल्यू 15% ऑफ सैलरी नहीं लगाएंगे, होटल है कॉस्टली है तो 24% ऑफ सैलरी लगाएंगे। तो वहां परक्विजिट वैल्यू होता है 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस व्हिचएवर इज लोअर। अगर होटल में टेंपरेरी पोस्टिंग किया गया ऑफिशियल पर्पस के लिए तब ऐसे ही वो जीरो है, उसका ऑफिशियल पर्पस के लिए तो आप जानते हो परक्विजिट जीरो है। रेसिडेंस पर्पस के लिए अगर होटल रूम दिया गया है तो फिर 24% ऑफ सैलरी। इसमें एक सेकंड केस और है जो मेरे साथ पर्सनली हुआ था, जब कंपनी एम्प्लॉई को ट्रांसफर करती है किसी जगह रहने के लिए तो टेम्पररी उसको होटल अकोमोडेशन देती है रहने के लिए टेम्पररी, ताकि उस दौरान वो अपना घर वर ढूंढ ले उस इलाके में। तो 15 दिन के लिए अगर होटल अकोमोडेशन मिला है तो उसका परक्विजिट वैल्यू जीरो है, 15 दिन के बाद जो भी है वो टैक्सेबल है, उसका वही कैलकुलेशन वही फॉर्मूला है 24% सैलरी फॉर एक्सेस नंबर ऑफ डेज और हायर चार्जेस व्हिचएवर इज लोअर। ऑफिशियल टूर के लिए अगर कंपनी आपको कहीं भेज रही है रहने दे रही है गेस्ट हाउस वगैरह में तो जीरो है परक्विजिट। ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस किया हूं, ये तो रिवीजन सेशन है तो मैं शॉर्ट में फटाफट बता रहा हूं। दूसरा परक्विजिट हम लोगों ने डिस्कस किया डोमेस्टिक परक्विजिट, जैसे घर में आपके सर्वेंट हेल्पर अटेंडेंट दिया या गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर दिया, तो वहां पर एग्जेम्पशन कुछ नहीं है, परक्विजिट वैल्यू का फॉर्मुला बताया और बहुत सिंपल बोला कंपनी का जितना एक्चुअल कॉस्ट है वही, मतलब सर्वेंट दिया तो सर्वेंट की सैलरी वही परक्विजिट वैल्यू है, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर दिया कंपनी ने कहीं से लेके तो जो कंपनी का कॉस्ट है वही, अगर कंपनी खुद गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर बनाती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा वही उसका परक्विजिट वैल्यू होगा, तो वही है सेकंड वाला डोमेस्टिक परक्विजिट्स। थर्ड यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स गेस्ट हाउस वगैरह में तो जीरो है परक्विजिट। ये सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस किया, परक्विजिट वैल्यू का फॉर्मुला बताया और बहुत सिंपल बोला कंपनी का जितना एक्चुअल कॉस्ट है वही, मतलब सर्वेंट दिया तो सर्वेंट की सैलरी वही परक्विजिट वैल्यू है, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर दिया कंपनी ने कहीं से लेके तो जो कंपनी का कॉस्ट है वही, अगर कंपनी खुद गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर बनाती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा वही उसका परक्विजिट वैल्यू होगा, तो वही है सेकंड वाला डोमेस्टिक परक्विजिट्स। थर्ड यूज एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स, कंपनी अगर अपने एम्प्लॉई को फर्नीचर वगैरह दे रहा है घर के साथ या घर के बिना, अगर आपका अपना घर है और आपको सिर्फ कंपनी फर्नीचर दे रही है तो फर्नीचर का परक्विजिट लेंगे, लेकिन कंपनी घर भी दे रही है फर्नीचर भी तो दो दो परक्विजिट है, घर का एक अलग परक्विजिट निकलता आरएफए और फर्नीचर का एक अलग परक्विजिट होता है, तो वही बोला फर्नीचर का परक्विजिट क्या होगा। इसमें दो पार्ट है, नंबर वन है यूज, अगर कंपनी ने आपको फर्नीचर दिया आपके घर पे यूज करने के लिए तो उसकी परक्विजिट वैल्यू क्या है। अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप दिया है घर के लिए, ऑफिस के लिए नहीं, ऑफिस के लिए अगर कंपनी कंप्यूटर लैपटॉप दे रही तो वो तो परक्विजिट माना ही नहीं जाता, आपके घर पर रखने के लिए घर के पर्सनल यूज के लिए आपको कंप्यूटर लैपटॉप दिया है तो सरकार टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहती है, परक्विजिट विल बी जीरो। तो कंप्यूटर लैपटॉप अगर आपके घर पे दिया जा रहा है यूज करने के लिए तो उसका परक्विजिट जीरो होता है। मोटर कार अगर दे रहे हैं तो वो अगले टॉपिक में सीखेंगे। बाकी कोई फर्नीचर वगैरह आपको दिया जा रहा है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो हम आरएफए में सीखते हैं, अगर कंपनी का खरीदा हुआ फर्नीचर है 10% ऑफ कॉस्ट, अगर कंपनी ने फर्नीचर भाड़े पे लेके आपको दिया है तो हायर चार्जेस। ठीक है, ये था यूज। नेक्स्ट है ट्रांसफर,
एम्प्लॉयर ने अपना कोई मूवेबल असेट
एम्प्लॉई को सस्ते दाम पर बेच दिया, सेल कर दिया, तो परक्विजिट क्या होगा? वेरी सिंपल सर, परक्विजिट वैल्यू इक्वल टू WDV ऑफ द एसेट माइनस सेल प्रोसीड। जैसे सोचो कंपनी ने तीन साल पहले कोई गाड़ी खरीदी थी, ओके, अब वो गाड़ी 3 साल हो चुके, पुरानी हो गई, तो उसका रिटर्न ऑन वैल्यू होगा। वो गाड़ी कंपनी डिस्पोज करना चाहता है, तो एम्प्लॉई बोला कि कहीं और मत दो, मैं ही खरीद लूंगा आपसे, तो एम्प्लॉई कुछ पैसा दिया, दैट्स कॉल्ड सेल प्रोसीड्स। तो एम्प्लॉई के लिए फायदा कितना है? WDV ऑफ द कार माइनस द सेल प्रोसीड्स, दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द परक्विजिट वैल्यू। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को मूवेबल असेट्स बेच रहा है, तो परक्विजिट वैल्यू सिंपल है, WDV ऑफ द एसेट माइनस सेल प्रोसीड। अगर ये सॉल्व होकर नेगेटिव आता है, तब तो मतलब आपको कोई फायदा हुआ ही नहीं, एम्प्लॉई को कोई फायदा हुआ ही नहीं, तब तो जीरो पर है, ठीक है। लेकिन अगर WDV ज्यादा सॉल्व होकर WDV ऑफ द कार माइनस द सेल प्रोसीड्स, दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द परक्विजिट वैल्यू। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को मूवेबल असेट्स बेच रहा है, तो परक्विजिट वैल्यू सिंपल है, WDV ऑफ द एसेट माइनस सेल प्रोसीड। अगर ये सॉल्व होकर नेगेटिव आता है, तब तो मतलब आपको कोई फायदा हुआ ही नहीं, एम्प्लॉई को कोई फायदा हुआ ही नहीं, तब तो जीरो पर क्या, ठीक है। लेकिन अगर WDV ज्यादा था, बेचा कम पे, तो मुनाफा है एम्प्लॉई को, दैट इज द परपोजिट। अब इसमें WDV ऑफ द एसेट नेगेटिव ऑफ द कार माइनस द सेल प्रोसीड्स, दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द परपोजिट वैल्यू। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को मूवेबल असेट्स बेच रहा है, तो परपोजिट वैल्यू सिंपल है, WDV ऑफ द एसेट माइनस सेल प्रोसीड। अगर ये सॉल्व होकर नेगेटिव आता है, तब तो मतलब आपको कोई फायदा हुआ ही नहीं, एम्प्लॉई को कोई फायदा हुआ ही नहीं, तब तो जीरो पर क्या, ठीक है। लेकिन अगर WDV ज्यादा था, बेचा कम पे, तो मुनाफा है एम्प्लॉई को, दैट इज द परपोजिट। अब इसमें WDV ऑफ द एसेट निकालने के लिए हमें एसेट के कॉस्ट से डिप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा, और डिप्रिसिएशन के अलग अलग रेट्स वगैरह दिए हैं। अगर
कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेच रहा है तो डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज एट द रेट ऑफ 50% WDV मेथड। डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेच रहा है तो डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज एट द रेट ऑफ 50% WDV मेथड। ओके, मोटर कार अगर बेच रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सस्ते रेट पे तो उस पर डेप्रिसिएशन दो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर 20% के रेट पे WDV एट एम्प्लॉय कुछ इक्वल टू एम्प्लॉय का यूज। नेक्स्ट है ट्रांसफर, एम्प्लॉयर ने अपना कोई मूवेबल असेट एम्प्लॉई को सस्ते दाम पर बेच दिया, सेल कर दिया, तो परक्विजिट क्या होगा? वेरी सिंपल सर, परक्विजिट वैल्यू इक्वल टू WDV ऑफ द असेट माइनस सेल प्रोसीड। जैसे सोचो कंपनी ने तीन साल पहले कोई गाड़ी खरीदी थी। ओके, अब वो गाड़ी 3 साल हो चुके, पुरानी हो गई, तो उसका रिटर्न ऑन वैल्यू होगा। वो गाड़ी कंपनी डिस्पोज करना चाहता है तो एम्प्लॉई बोला कि कहीं और मत दो, मैं ही खरीद लूंगा आपसे, तो एम्प्लॉई कुछ पैसा दिया, दैट्स कॉल्ड सेल प्रोसीड्स। तो एम्प्लॉई के लिए फायदा कितना है? WDV ऑफ द कार माइनस द सेल प्रोसीड्स, दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द परक्विजिट वैल्यू। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को मूवेबल असेट्स बेच रहा है तो परक्विजिट वैल्यू सिंपल है WDV ऑफ द असेट माइनस सेल प्रोसीड। अगर ये सॉल्व होकर नेगेटिव आता है तब तो मतलब आपको कोई फायदा हुआ ही नहीं, एम्प्लॉई को कोई फायदा हुआ ही नहीं, तब तो जीरो पर क्या, ठीक है। लेकिन अगर WDV ज्यादा था बेचा कम पे तो मुनाफा है एम्प्लॉई को, दैट इज द परपोजिट। अब इसमें WDV ऑफ द एसेट निकालने के लिए हमें एसेट के कॉस्ट से डिप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा और डिप्रिसिएशन के अलग अलग रेट्स वगैरह दिए हैं। अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को बेच रहा है तो डिप्रिसिएशन देना पड़ेगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज एट द रेट ऑफ 50% WDV मेथड। ओके, मोटर कार अगर बेच रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सस्ते रेट पे तो उस पर डिप्रिसिएशन दो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर 20% के रेट पे WDV। सॉरी, इन दोनों के अलावा अगर कोई और असेट बेच रहा है, फर्नीचर हो गया, बाइक हो गया, तो आपको 10% डेप्रिसिएशन देना है स्ट्रेट लाइन मेथड पर फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज, ठीक है। तो बेसिकली अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को असेट बेच रहा है तो परक्विजिट वैल्यू WDV माइनस सेल प्रोसीड WDV के लिए, डेप्रिसिएशन का ये मेथडोलॉजी है तीन तरह के असेट्स के लिए। आज का चौथा WDV माइनस सेल प्रोसीड WDV के लिए, डेप्रिसिएशन का ये मेथडोलॉजी है तीन तरह के असेट्स के लिए। आज का चौथा परक्विजिट और सबसे इंपॉर्टेंट यही था, इसी में सबसे ज्यादा टाइम हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार। मोटर कार आपको यूज करने के लिए बेचा नहीं, बेचा तो अपने ऊपर पड़े 20% WDV डेप्रिसिएशन है। अब मोटर कार अगर कंपनी ने आपको दिया है तो उसमें तीन केसेस है। नंबर वन, फुल्ली ऑफिशियल पर्पज के लिए दिया है तो परक्विजिट जीरो, फुल्ली पर्सनल पर्पज के लिए दिया तब आप बहुत महंगा पड़ेगा, सब जोड़ दो, जो गाड़ी की कीमत है उसका 10%, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ड्राइवर की सैलरी, जो भी एक्चुअल फिगर्स है सब जोड़ दो। तीसरा, अगर पॉप के लिए दिया पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल कंप्लीटेड ईयर ऑफ यूजेज, ठीक है। तो बेसिकली अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को असेट बेच रहा है तो परक्विजिट वैल्यू WDV माइनस सेल प्रोसीड WDV के लिए, डेप्रिसिएशन का ये मेथडोलॉजी है तीन तरह के असेट्स के लिए। आज का चौथा परक्विजिट और सबसे इंपॉर्टेंट यही था, इसी में सबसे ज्यादा टाइम हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार। मोटर कार आपको यूज करने के लिए बेचा नहीं, बेचा तो अपने ऊपर पड़े 20% WDV डेप्रिसिएशन है। अब मोटर कार अगर कंपनी ने आपको दिया है तो उसमें तीन केसेस है। नंबर वन, फुल्ली ऑफिशियल पर्पज के लिए दिया तो परक्विजिट जीरो, फुल्ली पर्सनल पर्पज के लिए दिया तब आप बहुत महंगा पड़ेगा, सब जोड़ दो, जो गाड़ी की कीमत है उसका 10%, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ड्राइवर की सैलरी, जो भी एक्चुअल फिगर्स है सब जोड़ दो। तीसरा, अगर पॉप के लिए दिया पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल तो उसके परक्विजिट वैल्यू का बहुत डिटेल फॉर्मूला है, वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैं दो डायग्राम अलग से बनाया हूं, देखो पहला डायग्राम है पॉप वन। ओके, ये पूरा का पूरा डायग्राम इट इज एक्चुअली गुड फॉर एम्प्लॉई। सर हाउ इट इज गुड फॉर एम्प्लॉई? बिकॉज यहाँ पे जो परक्विजिट वैल्यू इन्होंने बताई है ना वो रियल मार्केट रेट से बहुत कम है, तो सेल प्रोसीड। लेकिन अगर वैल्यू सब कार आपको यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट यही था, इसी में सबसे ज्यादा टाइम हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, परक्विजिट वैल्यू ऑफ मोटर कार। मोटर कार आपको यूज करने के लिए बेचा नहीं, बेचा तो अपने ऊपर पड़े 20% WDV डेप्रिसिएशन है। अब मोटर कार अगर कंपनी ने आपको दिया है तो उसमें तीन केसेस है। नंबर वन, फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया तो परक्विजिट जीरो, फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए दिया तब आप बहुत महंगा पड़ेगा, सब जोड़ दो, जो गाड़ी की कीमत है उसका 10%, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ड्राइवर की सैलरी, जो भी एक्चुअल फिगर्स है सब जोड़ दो। तीसरा, अगर पॉप के लिए दिया पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल तो उसके परक्विजिट वैल्यू का बहुत डिटेल फॉर्मूला, वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैं दो डायग्राम अलग से बनाया हूं, देखो पहला डायग्राम है पॉप वन। ओके, ये पूरा का पूरा डायग्राम इट इज एक्चुअली गुड फॉर एम्प्लॉई।
सर हाउ इट इज गुड फॉर एम्प्लॉय, बिकॉज यहाँ पे जो परक्विजिट वैल्यू इन्होंने बताई है ना वो रियल मार्केट रेट से बहुत कम है, तो एक्चुअली ये जो परक्विजिट वैल्यू ये एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ दो केसेस हैं, पहला केस है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, इसका मतलब है एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ द कार, वही आपको कार दे रहा है एंड एम्प्लॉयर ही उसके खर्चे भी दे रहा है रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, तब उस केस में द परक्विजिट वैल्यू इज स्ट्रेट अवे दे रहा है फॉर्मुला, वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन हमारे के लिए दिया पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, किसने दिया ले दिया बेचा नहीं, बेचा तो अपने ऊपर पड़े 20% डब्ल्यूडी डेप्रिसिएशन है। अब मोटर कार अगर कंपनी ने आपको दिया है तो उसमें तीन केसेस हैं, नंबर वन फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया तो परक्विजिट जीरो, फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए दिया तब आप बहुत महंगा पड़ेगा, सब जोड़ दो जो गाड़ी की कीमत है उसका 10%, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, ड्राइवर की सैलरी, जो भी एक्चुअल फिगर्स है सब जोड़ दो। तीसरा अगर पॉप के लिए दिया पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल तो उसके परक्विजिट वैल्यू का बहुत डिटेल फॉर्मुला, वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैं दो डायग्राम्स अलग से बनाया हूं, देखो पहला डायग्राम है पॉप वन, ओके ये पूरा का पूरा डायग्राम, इट इज एक्चुअली गुड फॉर एम्प्लॉई। सर हाउ इट इज गुड फॉर एम्प्लॉय, बिकॉज यहाँ पे जो परक्विजिट वैल्यू इन्होंने बताई है ना वो रियल मार्केट रेट से बहुत कम है, तो एक्चुअली ये जो परक्विजिट वैल्यू एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ दो केसेस हैं, पहला केस है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, इसका मतलब है एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ द कार, वही आपको कार दे रहा है एंड एम्प्लॉयर ही उसके खर्चे भी दे रहा है रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, तब उस केस में द परक्विजिट वैल्यू इज स्ट्रेट अवे 1800 रुपया पर मंथ या 2400 रुपया पर मंथ, 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द इंजन कैपेसिटी ऑफ द कार। अगर गाड़ी का इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, 1.6 लीटर तक है तो 1800 रुपया पर मंथ लेंगे, 1.6 से ऊपर है तो 2400 रुपया पर मंथ लेंगे। अगर कंपनी आपको ड्राइवर भी दे रही है तो 900 900 और जोड़ देना नीचे ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी है और वही खर्चे भी दे रहा है आरएमसी रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस, तो आपको डबल बेनिफिट है, एक तो आपको कार यूज करने मिल रहा है प्लस आपका रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट भी कंपनी दे रही है, तो डबल बेनिफिट है ना, तो इसलिए परक्विजिट वैल्यू 1800 या 2400 रुपया पर मंथ। दूसरी तरफ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, यहाँ पे गाड़ी तो कंपनी आपको दे रही है यूज करने के लिए पर खर्चे आपके खुद के हैं, तो आपको बेनिफिट एक ही मिल रहा है यूज ऑफ द कार, केवल गाड़ी आपको मिल रही है दैट इज द बेनिफिट, रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट एम्प्लॉय अपना खुद दे रहा है। तो ऐसे केस में क्योंकि बेनिफिट कम मिला है तो परक्विजिट वैल्यू भी कम है, 600 रुपया या 900 रुपया, कम इंजन कैपेसिटी वाली गाड़ी है 600, ज्यादा वाली है तो 900, और अगर ड्राइवर कंपनी ने दिया तो प्लस 900 आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, इट्स गुड फॉर एम्प्लॉय बिकॉज यहाँ परक्विजिट वैल्यू का अमाउंट बहुत कम है, 1800 2400 600 900, गाड़ी का एक्चुअल खर्चा रियल लाइफ में बता दूं बहुत ज्यादा होता है, तो इन्होंने बहुत कम दिया तो इट इज गुड फॉर एम्प्लॉय। फिर पॉप का एक सेकंड डायग्राम है, ये रहा, दिस होल डायग्राम इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, मतलब गाड़ी तो एम्प्लॉय की है, गाड़ी तो एम्प्लॉय की है और उसके खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है, तो एम्प्लॉयर से आपको एक ही चीज मिलता है खर्च, तो सर परक्विजिट वैल्यू कितना होगा, सिंपल जो भी गाड़ी के खर्चे हैं वो कंपनी दे रही है माइनस उसमें से कितना खर्चा ऑफिस पर्पस के लिए है। गाड़ी तो आपकी खुद की है तो यूज ऑफ कार इज नॉट अ परक्विजिट, पर गाड़ी के खर्चे बॉस दे रहा है तो जो खर्च उसने दिया आरएमसी माइनस द खर्चा फॉर ऑफिस पर्पसेस वो आप निकाल लो, तो जो डिफरेंस है वही परक्विजिट है जो आपके पर्सनल फायदा है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, पहला सिचुएशन अगर एम्प्लॉई ने, जो एम्प्लॉई है तुमने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया कि गाड़ी इतनी किलोमीटर चली थी महीने में, इतना ऑफिस पर्पस इतना पर्सनल, तब तो ग्रेट है, यू नो एक्जैक्टली कि ऑफिस पर्पस में कितना खर्च हुआ माइनस करो निकाल लो, तो ये वाला गुड फॉर एम्प्लॉई, ठीक है। आपके बॉस ने आपको आरएमसी दिया माइनस आपके डायरी के हिसाब से ऑफिस पर्पस के लिए इतना खर्चा हुआ लेस कर दो, जो है बचा वो पर्सनल पर्पस के लिए वही परक्विजिट वैल्यू है। लेकिन अगर आपने डायरी मेंटेन नहीं किया कि कितना ऑफिस पर्पस के लिए, तब पंगा हो जाएगा, देन इट इज बैड फॉर यू, व्हाई, बिकॉज इनके अनुसार डीम्ड है कि ऑफिस पर्पस के लिए जो भी खर्च होंगे वो 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ ही होगा, वो इनका डीम्ड है। तो अगर आपने रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया तो बॉस से जितना भी आरएमसी मिला माइनस 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन इंजन कैपेसिटी, अगर ड्राइवर पर्पस के गाड़ी इतने किलो, यहाँ पे दो सिचुएशन है, अच्छा परक्विजिट दिस हो कम दिया बिकॉज यहाँ परक्विजिट वैल्यू का अमाउंट बहुत कम है 1800। फिर पॉप का एक सेकंड डायग्राम है, ये रहा, दिस होल डायग्राम इज बेस्ड ऑन एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, मतलब गाड़ी तो एम्प्लॉय की है और उसके खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है, तो एम्प्लॉयर से आपको एक ही चीज मिलता है खर्च, तो सर परक्विजिट वैल्यू कितना होगा, सिंपल जो भी गाड़ी के खर्चे हैं वो कंपनी दे रही है माइनस उसमें से कितना खर्चा ऑफिस पर्पस के लिए। गाड़ी तो आपकी खुद की है तो यूज ऑफ कार इज नॉट अ परक्विजिट, पर गाड़ी के खर्चे बॉस दे रहा है, तो जो खर्च उसने दिया आरएमसी माइनस द खर्चा फॉर ऑफिस पर्पसेस वो आप निकाल लो, तो जो डिफरेंस है वही परक्विजिट है जो आपके पर्सनल फायदा है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, पहला सिचुएशन अगर एम्प्लॉई ने, जो एम्प्लॉई है तुमने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया कि गाड़ी इतने किलोमीटर चली थी महीने में, इतना ऑफिस पर्पस इतना पर्सनल, तब तो ग्रेट है, यू नो एक्जैक्टली कि ऑफिस पर्पस में कितना खर्च हुआ माइनस करो निकाल लो, तो ये वाला गुड फॉर एम्प्लॉई, ठीक है। आपके बॉस ने आपको आरएमसी दिया माइनस आपके डायरी के हिसाब से ऑफिस पर्पस के लिए इतना खर्चा हुआ लेस कर दो, जो है बचा वो पर्सनल पर्पस के लिए वही परक्विजिट वैल्यू है। लेकिन अगर आपने डायरी मेंटेन नहीं किया कि कितना ऑफिस पर्पस के लिए, तब पंगा हो जाएगा, देन इट इज बैड फॉर यू, व्हाई, बिकॉज इनके अनुसार डीम्ड है कि ऑफिस पर्पस के लिए जो भी खर्च होंगे वो 1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ ही होगा, वो इनका डीम्ड है। तो अगर आपने रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया तो बॉस से जितना भी आरएमसी मिला माइनस
1800 पर मंथ या 2400 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन इंजन कैपेसिटी। अगर ड्राइवर भी बॉस दे रहा है तो 1800 प्लस 900, 2400 प्लस 900 हो जाएगा, ठीक है। ये बैड है बिकॉज एक्चुअली ऑफिस पर्पज के लिए इतना कम खर्चा नहीं होता, तो ये फिगर ज्यादा ही निकल के आएगा। बैड फॉर यू, बैड फॉर एम्प्लॉई। बाइक, अगर बाइक का कम खर्चा नहीं होता तो ये फिगर ज्यादा ही निकल के आएगा। बैड फॉर यू, बैड फॉर एम्प्लॉई। बाइक, अगर अगर बाइक मिली है, गाड़ी नहीं बाइक मिली है, तो फॉर्मूले एकदम अलग होते हैं। ऑफिस पर्पस के लिए अगर बाइक मिलती है तो जीरो है। केस टू केस थ्री सेम है। केस टू में फुल्ली पर्सनल, केस थ्री है पॉप, ठीक है। केस टू है फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए, कंपनी ने आपको बाइक दिया है तो अच्छा, बाइक में ड्राइवर्स का तो सैलरी आएगा नहीं, बाइक तो सेल्फ ड्रिवन होता है, तो बाइक में तो दो ही होता है, यूज ऑफ द कार एंड आरएमसी। पर इन्होंने आरएमसी का अलग से कोई जिक्र नहीं किया, बोला फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए बाइक अगर आपको मिला है तो फिर परक्विजिट इज सिंपल 10% ऑफ कॉस्ट। वैसे ही पॉप, पॉप में इन्होंने दो बातें बोली, एम्प्लॉयर 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 एम्प्लॉय, मतलब बाइक कंपनी की है, खर्चे कंपनी दे रही है या खर्चे आप दे रहे हो, दोनों ही केस में इनका परक्विजिट वैल्यू सेम रहेगा, 10% ऑफ कॉस्ट। तो फुल्ली पर्सनल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, पॉप के केस में, सारे केस में आंसर सेम है, 10% ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है केस नंबर 4, यही हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होता है। ये पॉप का केस है, एम्प्लॉई डैश एम्प्लॉयर, यही सबसे ज्यादा है। मैं जब चेन्नई में काम करता था केपीएमजी में, तो सबसे ज्यादा यही होता है केस नंबर 4। वहां ऑलमोस्ट जितने भी लड़के लड़की काम करते हैं केपीएमजी में, दे ऑल हैव बाइक, बिकॉज पर्सनल ट्रांसपोर्ट वहां उतना अच्छा नहीं है, तो सबके पास अपना बाइक रहता है, तो बाइक एम्प्लॉई का खुद का होता है, और वो लोग क्लाइंट के यहाँ जाना पड़ता है बार 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 बार, तो उसके लिए केपीएमजी की तरफ से उनको खर्चे का पैसा मिल जाता है, स्लैब होता है 1000 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। तो एम्प्लॉई ओन्स द बाइक एंड एम्प्लॉयर पेज द एक्सपेंसेस, इन दैट केस व्हाट विल यू डू, सेम परक्विजिट वैल्यू इक्वल टू टोटल एक्सपेंस रिसीव फ्रॉम द कंपनी माइनस एक्सपेंस फॉर ऑफिस पर्पस। तो अगर आपने डायरी मेंटेन की है तब तो ऑफिस पर्पस का जितना माइनस कर दो, ये रहा, लेकिन विच इज गुड फॉर एम्प्लॉई। लेकिन अगर आपने डायरी मेंटेन नहीं किया तो इनके हिसाब से ऑफिस पर्पस के लिए डीम्ड है कि 900 रुपया ही लगा होगा पर मंथ, तब फॉर्मूला हो जाएगा आरएमसी माइनस 900 पर मंथ। तो सबसे ज्यादा फेमस यही वाला केस है, केस नंबर 4, ठीक है। कंप्लीट होता है अपना ये रिविजन, थैंक यू।
ईपीएस अकाउंट ओपन कर सकता है। साल 2004 में ये 18 साल से 65 साल के बीच ये एक 100% सरकारी। नमस्कार दोस्तों, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम ये एक 100% सरकारी स्कीम है और इस स्कीम के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से 65 साल के बीच में है वो इस स्कीम के तहत अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। अब वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो सरकारी नौकरी करता हो, भारत का कोई भी व्यक्ति चाहे वो दुकान खोलता हो या फिर वो प्राइवेट जॉब करता हो या फिर वो सरकारी नौकरी करता हो, कोई भी व्यक्ति बस 18 से 65 साल की उम्र स्लैब के बीच में आना चाहिए, वो एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकता है। साल 2004 में ये स्कीम को बोलते थे न्यू पेंशन स्कीम, उस समय ये जो स्कीम थी सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन साल 2009 में सरकार ने ये स्कीम भारत के हर नागरिक के लिए ओपन कर दी थी। इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि रिटायरमेंट के समय हर व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए कि उसकी डिपेंडेंसी अपने बच्चों पे ना रहे, यानी एक रिटायरमेंट एज पे हर व्यक्ति के पास अपने लिए खुद का पैसा होना जरूरी है। तब इस स्कीम के तहत दो तरह के अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं, एक अकाउंट को हम बोलते हैं टीयर 1 अकाउंट और दूसरे को बोलते हैं टीयर 2 अकाउंट। सारी की सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आगे वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे रिटर्न मिलेगा, कितनी उम्र आते हैं कि एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन की हर एक नोटिफिकेशन होता है। पहले हम एटीसी को समझ लेते हैं। सेक्शन एटीसी क्या बोलता है, अगर आप इन स्कीम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए की टैक्स रिबेट मिल जाती है, यानी कि अगर आप पीएफ में या पीपीएफ में या फिर ईएलएस सुकन्या समृद्धि बहुत सारी स्कीम है 5 ईयर एफडी, ये सारी की सारी स्कीम्स मैंने पॉइंट टू पॉइंट हर अलग अलग वीडियो सब पे बनाई हुई है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। खैर, सेक्शन एटीसी और इनकम टैक्स एक्ट पे आते हैं। एटीसी इनकम टैक्स एक्ट का क्या बोलता है, अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो 1.5 लाख रुपए तक की आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है। जो एनपीएस है वो भी क्या है, सेक्शन एटीसी का एक सब सेक्शन है ATCC D1, इसके अंदर एनपीएस आता है, तो यहां पे भी हमें 1.5 लाख रुपए की नॉर्मल तरीके से टैक्स रिबेट मिल जाती है। लेकिन अब एनपीएस का फायदा क्या है, 1.5 लाख के अलावा एक्स्ट्रा 50,000 रुपए की टैक्स रिबेट मिलती है प्लस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, ये भी आप टैक्स रिबेट ले सकते हो, यानी 2 लाख से भी ज्यादा टैक्स रिबेट हमें एनपीएस मिल जाती है अगर मैं इसकी तुलना करता हूं किसी दूसरी स्कीम के तहत। तो यहां पे जो टैक्स रिबेट है यानी जो टैक्स है वो मैं ज्यादा बचा सकता हूं। दूसरा फायदा इसका ये होता है कि जो ये पैसा है ये कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, तो इस वजह से जो इसका रिटर्न है वो भी बहुत ज्यादा, यानी टैक्स रिबेट के साथ साथ मुझे रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एनपीएस का। अब सवाल ये आता है कि एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है। देखो, जैसे बैंकों को रेगुलेट आरबीआई करता है, ठीक है, उसी तरह से इंश्योरेंस को आईआरडीए रेगुलेट करता है और उसी तरह से जो एनपीएस अकाउंट है उसे रेगुलेट करता है पीएफआरडीए, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब हम एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं, अब यहां एनपीएस अकाउंट ओपन कैसे होगा, मान लीजिए किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट ओपन है, ठीक है, तो आप उनकी ऑनलाइन जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वहां से भी एनपीएस ओपन कर सकते हैं या फिर आराम से ब्रांच विजिट करके भी आप एनपीएस अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं। जैसे ही एनपीएस अकाउंट ओपन होता है वहां से आपको एक 12 अंकों का यूनिक नंबर मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं पीआरएएन। ये पीआरएएन नंबर क्या होता है, ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। एक बार पीआरएएन नंबर खुल गया तो ये यूनिक 12 अंकों का नंबर रहता है। ऐसा नहीं कि आपने एसबीआई में जाके अलग एनपीएस खोल लिया, आईसीआईसी में जाके अलग एनपीएस खोल लिया, ऐसा नहीं। एक बार एनपीएस खुल गया आपको यूनिक पैन नंबर मिल जाएगा, वो यूनिक नंबर ही रहेगा, यानी एक ही एनपीएस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। अब एक बार एनपीएस खुल गया आपको 12 अंकों का यूनिक नंबर मिल जाता है जिसे हम बोलते हैं पीआरएएन। ये पीआरएएन नंबर क्या होता है, ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। एक बार पीआरएएन नंबर खुल गया तो ये यूनिक 12 अंकों का नंबर रहता है। ऐसा नहीं कि आपने एसबीआई में जाके अलग एनपीएस खोल लिया, आईसीआईसी में जाके अलग एनपीएस खोल लिया, ऐसा नहीं। एक बार एनपीएस खुल गया आपको यूनिक पैन नंबर मिल जाएगा, वो यूनिक नंबर ही रहेगा, यानी एक ही एनपीएस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। अब एनपीएस के अंदर खुल गया है, ऐसा नहीं कि आपने रिटायरमेंट अकाउंट नंबर एक बार यानी तो मैं उसे वापस विड्रॉ नहीं कर सकता, यानी इस अकाउंट के तहत मैं यहाँ पे हर महीने हर साल जैसे मेरी मर्जी मेरे पास जितना पैसा हो उतना पैसा मैं इस अकाउंट में डालता रहूंगा, बस इस पैसे को मैं वापस नहीं निकाल सकता अंटिल एंड अनलेस मेरी रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती। तो इसके अंदर मिनिमम आपको एक साल में 6,000 रुपए कम से कम इन्वेस्ट करना ही करना है। उसके बाद अगर मैं टीयर 2 अकाउंट की बात करता हूं तो टीयर 2 अकाउंट खुलवाने के लिए टीयर 1 अकाउंट का खुला होना मैंडेटरी है, यानी टीयर 2 अकाउंट को एक तरह से मैं अगर कंपेयर करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये डायरेक्टली म्यूचुअल फंड ही है, यानी इसके अंदर मैं पैसा डाल सकता हूं, कल दोबारा निकाल सकता हूं, फिर डाल सकता हूं, फिर निकाल सकता हूं। यानी अगर मैं मोटा मोटा समझूं तो टीयर 1 जो अकाउंट है ये मेरे पेंशन का पैसा इकट्ठा हो रहा है, यानी मेरे रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा हो रहा है, इसमें मैं अगर कुछ भी डालता हूं तो मैं उसे विड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन टीयर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं कल निकाल सकता हूं, आज फिर इन्वेस्ट कर सकता हूं। ये टीयर 2 अकाउंट क्यों खुला, इसमें जो पीएफआरडीए का जो मकसद था वो ये था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी रिटायरमेंट का पैसा भी हो जाए और जो भी कस्टमर है वो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्हीं की वेबसाइट पे जाकर के ही सारा का सारा काम वो इजीली कर सकता है। एनपीएस के अंदर आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हो, यानी 3 जनों को नॉमिनी आप बना सकते हैं। सवाल यहां ये आता है कि मेरा पैसा इन्वेस्ट कहां होगा, तो मेरा पैसा 3 जगह इन्वेस्ट होगा, पहला इक्विटी के अंदर, दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर। अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी का मतलब डायरेक्टली ये है कि मेरा पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होगा। अब मार्केट में क्या है कि जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा है तो रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मॉडरेट रिस्क है, यानी बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है तो रिटर्न्स भी कम है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो कोई रिस्क ही नहीं है, यानी सरकार आपका पैसा कभी नहीं खा सकती है, तो इसके अंदर रिस्क बिल्कुल ना के गया, बिल्कुल 0% रिस्क है तो रिटर्न्स भी बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहां पे अब इसके अंदर आप कहेंगे कि कितना पैसा मेरा इक्विटी में लगेगा, कितना पैसा मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगेगा और कितना पैसा मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगेगा। अब इसके लिए दो ऑप्शन आते हैं, या तो एक्टिव चॉइस या फिर ऑटो चॉइस। अब एक्टिव चॉइस में क्या होता है कि आप अपना पैसा खुद ही इन्वेस्ट करोगे, आप खुद बताओगे कि मान लो आपके पास 100 रुपए तो आप खुद ही बोलोगे कि 60 रुपए इक्विटी में
डालो, 20 रुपए इसमें डालो, 20 रुपए इसमें डालो, यानी आप अपनी मर्जी से अपना पैसा इन्वेस्ट करो। जो एक्टिव चॉइस है उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 75% ही आप मार्केट में पैसा यानी इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है ऑटो चॉइस का, इसके अंदर आपको फंड मैनेजर्स मिल जाएंगे, वो खुद ही अपना पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। अब अगर मैं बेनिफिट्स की बात करता हूं एनपीएस अकाउंट के, तो इसके अंदर मुझे सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ट्रिपल ई का बेनिफिट है, यानी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट का। अब ये एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट क्या है, यानी जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे आप हर महीने या हर साल जितना भी पैसा डाल रहे हो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो ईयर ऑन ईयर ग्रो भी कर रहा है, ठीक है, यानी ब्याज लग लग के ब्याज पे ब्याज, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, वो ईयर ऑन ईयर आपका पैसा ग्रो भी कर रहा है, तो उस ग्रोथ पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जब आप रिटायरमेंट की एज पे आ जाओगे और जब आप अपना लमसम पैसा निकालोगे तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है ट्रिपल ई का, यानी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। अब यहां पे तीन सेक्शन है, पहला है सेक्शन 80CC1। 80CC1 वही बोलता है कि मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए की टैक्स रिबेट ले सकते हो, जैसा हम सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लेते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 80CC D1B है, ये बोलता है कि इस 1.5 लाख रुपए के अलावा 50,000 रुपए की और टैक्स रिबेट आपको एनपीएस अकाउंट में मिल जाती है, यानी मैक्सिमम तो 2 लाख रुपए मैंने यहां पे बचा लिए। नॉर्मल किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करता सेक्शन 80C के अंदर तो मैं मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की टैक्स रिबेट ले सकता था, लेकिन एनपीएस अकाउंट के अंदर सेक्शन 80CC D1 प्लस 80CC D1B को मिला के मैं 2 लाख रुपए का टैक्स बचा सकता हूं। उसके अलावा जो ये तीसरा बेनिफिट है सेक्शन 80CC D2 का, ये सिर्फ और सिर्फ सैलरीड क्लास लोगों के लिए है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड इसका फायदा नहीं उठा सकते। सैलरीड क्लास लोगों के लिए ये सेक्शन बोलता है कि आप 2 लाख के अलावा भी और टैक्स बचा सकते हैं, अगर 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक आपका एम्प्लॉयर, आप नहीं, आपका एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है तो 2 लाख रुपए प्लस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, यानी मान लो किसी की बेसिक सैलरी 10 लाख रुपए है तो इसका 10% यानी 1 लाख रुपए और यहां पैसा बचा लेगा। उसके बाद जब आपकी एज रिटायरमेंट की हो जाएगी, यानी जब आप 60 ईयर्स की एज में आ जाएंगे, तब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि एनपीएस को 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर लो, यानी जब आप 70 साल की एज में आ जाओगे तब इस एनपीएस के पैसे को विड्रॉ कर लेना। अब दूसरा ऑप्शन ये आता है कि एनपीएस को क्लोज करवा लो। अब क्लोजिंग के टाइम पे पीएफआरडीए क्या बोलता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, अब ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपए उसको हाथों हाथ एक ही बारी लमसम सारा का सारा पैसा दे दिया जाएगा। पीएफआरडीए ये बोलता है कि हम 60% तो पैसा एक ही बारी में दे देंगे, लमसम दे देंगे, यानी 1 करोड़ का 60% 60 लाख रुपए तो हम एक ही बारी में दे देंगे, बाकी का जो 40% है वो उसे इन्वेस्ट करना होगा एन्यूटी में, यानी उसकी हर महीने की एक पेंशन बनाएंगे, यानी जो 40 लाख रुपया है ये पेंशन की फॉर्म में हम उसे देते रहेंगे। अब ऐसा क्यों किया गया, अब मान लीजिए इकट्ठा 1 करोड़ रुपया अगर किसी भी व्यक्ति को रिटायरमेंट की एज में दे दिया, कुछ पैसा उसका रिश्तेदार खा जाएगा, कुछ पैसा कोई ले जाएगा, यानी उसकी रिटायरमेंट की तो प्रॉपर प्लानिंग बनी ही नहीं, तो पीएफआरडीए ने इसी को मद्देनजर रखते हुए 60% लमसम इकट्ठा दे दिया जाता है और 40% एन्यूटी की फॉर्म में, यानी मंथली पेंशन की फॉर्म में उस व्यक्ति को दिया जाता है। अब यहां पे जो ये 60% है, यानी जो 60 लाख रुपया है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो ये 40% है, यानी मान लीजिए 40 लाख रुपए के नीचे अगर उसे मान लीजिए जो भी महीने में जितनी भी पेंशन मिलेगी वो उसका एज अ सैलरी गिनी जाएगी, उस सैलरी के तहत उसका जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स उसे देना पड़ेगा, लेकिन जो ये लमसम पैसा मिलेगा, जो ये 60 लाख रुपया उसको मिला है, इसके ऊपर उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहां सवाल ये आता है कि क्या एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 25 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट किया, अब मान लीजिए किसी उस व्यक्ति को 45 साल की उम्र में पैसे की जरूरत थी, तो क्या वो बीच में पार्शियल विड्रॉल कर सकता था? वेल देखो, इसका रूल ये है कि पार्शियल विड्रॉल हम कर तो सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो, किसी व्यक्ति को फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी है या मेडिकल के लिए पैसा चाहिए। दूसरा यह है कि अगर चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन करनी है तो ही आप एनपीएस में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ये दोनों चीजें भी तभी कर सकते हैं जब कम से कम एनपीएस अकाउंट को ओपन हुए 10 साल कंप्लीट हो गए, 10 साल से पहले किसी भी हालत में आप एनपीएस से पैसा नहीं निकाल सकते। अब बात यह आती है कि ठीक है 10 साल कंप्लीट हो गए तो पैसा निकाल कितना सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ही आप एनपीएस से निकाल सकते हैं जब आप पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं। एनपीएस से 3 बार आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो रिटायरमेंट की एज से पहले पहले, वो भी 5-5 साल के इंटरवल के बाद, मैक्सिमम 25% ही आप पैसा निकाल सकते हैं। अब यहां पे जो टीयर 2 अकाउंट है, टीयर 2 अकाउंट क्या होता है, टीयर 2 अकाउंट को अगर हम कंपेयर करें तो डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही अकाउंट है। टीयर 2 अकाउंट पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसमें आप पैसा डालिए, दोबारा निकालिए, दोबारा पैसा इन्वेस्ट करिए, तो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। टीयर 2 अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी भी नहीं है, अगर आप एनपीएस अकाउंट खोलते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको टीयर 2 अकाउंट खोलना ही खोलना है, सिर्फ टीयर 1 अकाउंट खोल के भी आप अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, पहला यह है कि मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है 60 साल से पहले, यानी उसने मान लीजिए 25 साल की उम्र में एनपीएस खोला और उसकी जो डेथ है वो 45 ईयर्स की एज में होगी, तो उस समय क्या होगा, उसका जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो पैसा किसको मिलेगा? तो वो पैसा इजीली जो भी उसका नॉमिनी होगा, जब आप एनपीएस खोलते हैं तो नॉमिनी का ऑप्शन आता ही है, तो नॉमिनी को इजीली पैसा मिल जाता है। अगर नॉमिनी सेलेक्ट नहीं किया तो जो भी लीगल हेयर्स होंगे उनको पैसा मिल जाएगा। इनको डिसकंटिन्यू कर दिया, अगले 3 साल मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, उस केस में क्या होगा? देखो 3 साल कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मिनिमम 6,000 रुपए मैंने आपको बताया था कि साल का इन्वेस्ट करना ही करना है, तो 3 साल कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो यानी 3 साल का 18,000 रुपए प्लस बहुत ही कम एक पेनल्टी लगेगी। ये पैसा जब आप इन्वेस्ट करोगे तो दोबारा से अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आगे फर्दर इस अकाउंट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये साल है कि अगर मान लीजिए मैंने एनपीएस खोली 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र तक मैंने एनपीएस में पैसा डाला, उसके बाद मैंने इस स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया, अगले 3 साल मैंने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, उस केस में क्या होगा? देखो 3 साल कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मिनिमम 6,000 रुपए मैंने आपको बताया था कि साल का इन्वेस्ट करना ही करना है, तो 3 साल कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो यानी 3 साल का 18,000 रुपए प्लस बहुत ही कम एक पेनल्टी मैंने आपको बताया था कि साल का इन्वेस्ट करना ही करना है, तो पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, उस केस में क्या होगा? देखो 3 साल कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मिनिमम 6,000 रुपए मैंने आपको बताया था कि साल का इन्वेस्ट करना ही करना है, तो 3 साल कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया तो यानी 3 साल का 18,000 रुपए प्लस बहुत ही कम एक पेनल्टी लगेगी। ये पैसा जब आप इन्वेस्ट करोगे तो दोबारा से अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आगे फर्दर इस अकाउंट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एनपीएस कैलकुलेटर या इजीली नेट पे जाकर के एनपीएस कैलकुलेटर खोल के देख सकते हैं कि कितनी साल की उम्र में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, कितना मुझे रिटर्न मिलेगा, ये सब कुछ एनपीएस कैलकुलेटर के अंदर आप बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि 26 साल की किसी की उम्र है तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाली, नीचे यहाँ पे डाला कि 5,000
रुपए वो मंथली अगर इन्वेस्ट करता है अपने 60 साल की उम्र में जब तक वो नहीं पहुंच जाता, तो उस केस में उसने टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करी है 20 लाख रुपए, 20 लाख, और यहाँ पे जो उसको रिटर्न मिला है वो मिला है 1,72,00,000 रुपए का। अब इस केस के अंदर उसे जो लमसम मिलेगा वो मिलेगा 1,00,00,000 रुपए के आसपास, और जो उसे एन्यूटी में डालना है वो 69 लाख, टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करी है 20 लाख रुपए, 20 लाख, और यहाँ पे जो उसको रिटर्न मिला है वो मिला है 1,72,00,000 रुपए का। अब इस केस के अंदर उसे जो लमसम मिलेगा वो मिलेगा 1,00,00,000 रुपए के आसपास, और जो उसे एन्यूटी में डालना है वो 69 लाख रुपीज, यानी एन्यूटी का मतलब उसे मंथली जो पैसा मिलता रहेगा। तो लमसम और एन्यूटी दोनों अमाउंट दिखाई हुई है। रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 10% के एक जनरल रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टोटल जो उसका टेन्योर है यानी वो 24 साल के लिए 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा, और यहाँ पे जो एन्यूटी का रिटर्न है ये 7% का है। तो एनपीएस कैलकुलेटर को भी आप इजीली अपने नेट पे अपने हिसाब से एडजस्ट करके कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना मैं इन्वेस्ट करूंगा और कितना मुझे रिटर्न मिलेगा। तो I studied the 10 most powerful empires over the last 500 years, and the last...
रिडीमेबल तो इशू ही नहीं हो सकते। जिसको भी आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हो, कंपनी शैल मेंटेन अ रजिस्टर इन SH3 जो कि आप RO पे रखते हो, या अगर बोर्ड कोई दूसरी जगह डिसाइड करती है तो वहां रखते हो जिसमें रजिस्टर है स्वेट इक्विटी का। चलिए सेक्शन 55, प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सारे बच्चे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो कुछ समय में कंपनी रिपे कर देती है, रिडीम हो जाते हैं, इररिडीमेबल। इररिडीमेबल तो इशू ही नहीं हो सकते, कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल। ऐसे शेयर जो रिडीम ही ना हो, ऐसे प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती है। डिविडेंड के हिसाब से क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। करेक्ट, कहता है देखो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो कोई भी कंपनी अलाउड ही नहीं है इशू करना, ठीक है। मैक्सिमम टेन्योर, कितना मैक्सिमम टेन्योर है जिसके लिए आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, 20 ईयर्स, और टर्म दैट इज प्रोवाइडेड इन AOA विच एवर इज लेस। कंपनी कितने सालों के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाने चाहिए 20 सालों के अंदर अंदर, या फिर अगर कोई टर्म AOA में प्रोवाइडेड है तो विच एवर इज लेस, उतने पीरियड के लिए आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन आप के लिए एक एक्सेप्शन है, आप 30 ईयर्स के लिए भी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हो। मैक्सिमम टेन्योर वैसे कितना है, 20 साल, या फिर वॉट एवर इज रिटन इन AOA विच एवर इज लेस। कुछ कंपनीज 20 से ज्यादा सालों के लिए भी इशू कर सकती है। कौन सी कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील करती है वो कंपनी 20 सालों से ज्यादा 30 सालों तक भी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकती है। मैक्सिमम टेन्योर इन दैट केस इज 30 ईयर्स, ठीक है। ओके, अब अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कहां पे, जनरल मीटिंग में। ओके, कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए रिडम्पशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड में। अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहती है तो कंपनी का पास्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने में या उनके डिविडेंड के ऊपर पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ओनली देन कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है और कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पास्ट में, डिविडेंड को पे करने का या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ओनली देन आप प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हो। प्रेफरेंस इशू करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है और कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पास्ट में, डिविडेंड को पे करने का या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ओनली देन आप प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कहां से किया जाता है, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। जो भी आपके फ्री प्रॉफिट्स हो गए जिससे भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो उससे आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो, या आउट ऑफ द फ्रेश इशू मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। आपने कोई फ्रेश शेयर्स ऑफ इशू लाए, आपने कोई फ्रेश शेयर्स इशू किए, उससे जो पैसा आया उससे आप प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। या तो आउट ऑफ द प्रॉफिट्स आप रिडीम कर सकते हो, या फिर कोई फ्रेश इशू लाकर जो पैसा आता है उससे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जा सकता है। तो मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको इशू करने के लिए आप क्या पास करते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो। मैक्सिमम टेन्योर, कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, 20 ईयर्स के लिए। कुछ कंपनीज 30 इयर्स के लिए भी कर सकती है जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में डील करती है, बाकी आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कहां से करते हो, आप उन्हें प्रॉफिट्स में से या कोई फ्रेश इशू लाके आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हो। रिडम्पशन कैनॉट बी डन अनलेस प्रेफरेंस शेयर्स आर फुली पेड अप। ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम कर सकते हो। जब तक कि शेयर्स आपके फुली पेड अप नहीं है तो आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते। अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है, इफ रिडम्पशन इज डन आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आप क्या करते हो, CRR में भी पैसा डाल देते हो। आपको ये चीज मैंने बताई थी, जब भी कैपिटल कम होगा तो CRR क्रिएट होता है, राइट। जैसे आप जब बायबैक कर रहे थे, बायबैक जब आप फ्री रिजर्व से कर रहे थे या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कर रहे थे तो भी CRR क्रिएट हो रहा था। जब भी कैपिटल कम होगी तो CRR क्रिएट होगा। तो जब भी आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करोगे तो कैपिटल कम होगी क्या,
प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करोगे तो कैपिटल कम होगी क्या? हाँ, तो आपको उतना अमाउंट सीआरआर में डालना पड़ेगा. कितना अमाउंट? नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड. लेट्स से आपने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है जिनका फेस वैल्यू 10 रुपए का है, तो आपको 1,00,000 रुपए सीआरआर अकाउंट में डालने पड़ेंगे. अगर प्रॉफिट से आप क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो. तो सारे बच्चे समझ में आ गया बेटा? एवरीबडी जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो यार प्लीज. एवरीबडी समझा? मतलब ये भी अच्छे से नहीं करना, आगे वाला भी नहीं करना तुम्हें, है? जो पूछ रही उसका जवाब देंगे सारे बच्चे. आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? वापस से बता दो, प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए इशू होते हैं? मैक्सिमम 10 इयर्स. अगर आप इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे हो तो आप 30 इयर्स तक के लिए भी इशू कर सकते हो. प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है. जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को कहां से रिडीम कर सकते हो, या तो प्रॉफिट से रिडीम कर सकते हो, या फिर आप कहां से रिडीम कर सकते हो, या फिर आप फ्रेश इशू ला सकते हो शेयर्स का, उससे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकते हैं. जब आप प्रॉफिट से रिडीम करते हो तो सीआरआर भी क्रिएट करते हो. कितना का? जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम किए हैं उसके नॉमिनल वैल्यू का सीआरआर आप क्रिएट करते हो. चलिए ओके. सकते हो या तो प्रॉफिट से रिडीम कर सकते हो, या फिर आप कहां से रिडीम कर सकते हो, या फिर आप फ्रेश इशू ला सकते हो शेयर्स का, उससे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो सकते हैं. जब आप प्रॉफिट से रिडीम करते हो तो सीआरआर भी क्रिएट करते हो. कितना का? जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम किए हैं उसके नॉमिनल वैल्यू का सीआरआर आप क्रिएट करते हो. चलिए ओके.
परफेक्ट। अगर मान लो ड्यू डेट पे कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम ना कर पाए, कंपनी इज अनेबल टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कंपनी ड्यू डेट पे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर पा रही है तो क्या करेगी कंपनी? तो ऐसे केस में प्रेफरेंस शेयर्स मैच्योर हो गए बट कंपनी रिडीम नहीं कर पा रही, तो कंपनी क्या करेगी? नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देगी, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स। अगर ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर पा रही तो कंपनी क्या करेगी? नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देगी। और जो कंपनी है जो नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी, माना जाएगा कि पुराने वाले शेयर्स जो है वो क्या हो गए? रिडीम हो गए, डीम टू हैव बीन रिडीम। मतलब अगर कंपनी मैच्योरिटी डेट आ गई पर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर पा रही तो पुराने वाले शेयर्स की जगह कंपनी क्या कर देगी? न्यू प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर देगी और ऐसा माना जाएगा जैसे पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर्स क्या हो गए? रिडीम हो गए। लेकिन ऐसा करने के लिए कंपनी को ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेना जरूरी है। ऐसा करने के लिए कंपनी को ट्रिब्यूनल का भी अप्रूवल लेना जरूरी है और जिनके पास भी 3/4 ऑफ शेयर्स है, जिन शेयर होल्डर्स के पास 3/4 शेयर्स हैं, जिन भी शेयर होल्डर्स के पास कम से कम 3/4 ऑफ द शेयर्स है, उनका भी कंसेंट आपको लेना पड़ेगा। मतलब अगर प्रेफरेंस शेयर्स का मेच्योरिटी डेट आ गया लेकिन कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के मेच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं दे पा रही, रिडीम नहीं कर पा रही, तो कंपनी क्या कर सकती है? न्यू प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देगी टू रिडीम दी ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए कंपनी न्यू प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देगी। ऐसा कंपनी तभी कर सकती है जब ट्रिब्यूनल अप्रूवल दे और जिन भी लोगों के पास 3/4 ऑफ द शेयर्स है वो अगर कंसेंट दे दे। ट्रिब्यूनल शैल ग्रांट दी अप्रूवल, ट्रिब्यूनल अप्रूवल देगा कि ठीक है आप फर्दर इश्यू कर दो। अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उन लोग को एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी। अगर कोई रूठे हुए शेयर होल्डर हैं जो नए प्रेफरेंस शेयर्स नहीं चाहते थे उनको आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। बाकी जिनके पास 3/4 ऑफ दी शेयर्स है उनसे आपको कंसेंट लेना पड़ेगा और आपको ट्रिब्यूनल से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर कंपनी रिडीम नहीं कर पा रही और पुराने वाले शेयर्स की जगह नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल का अप्रूवल, जिन भी शेयर होल्डर के पास 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डिंग है उनका अप्रूवल, और जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उन लोग को आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दोगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहां पे बताऊं प्रेफरेंस शेयर्स, सारे बच्चे फटाफट मेरे साथ रिवाइज कर लो बेटा। प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो रिडीम ही ना हो वो प्रेफरेंस शेयर्स तो आप इशू कर ही नहीं सकते। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आप इशू नहीं कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर्स अगर कंपनी इशू करती है तो मैक्सिमम टेन्योर है 20 ईयर्स का। हावेवर अगर कंपनी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में डील करती है तो आप 30 ईयर्स तक के लिए भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स मतलब जब आप रोड, रेलवे या कोई चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जैसे रोड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, रेलवे वगैरह को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, पावर लाइंस वगैरह लगा रहे हो एटसेट्रा, अगर ऐसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में आप डील कर रहे हो तो आप 30 ईयर्स के लिए भी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हो। और कहता है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम आप प्रॉफिट से कर सकते हो या आप फ्रेश इशू ला सकते हो शेयर्स का, जिससे जिसके पैसे से आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हो। अगर आप मेच्योरिटी डेट पे रिडीम ना कर पाओ तो आप क्या कर दोगे? नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दोगे। पर ऐसा करने के लिए आपको ट्रिब्यूनल का अप्रूवल, जिन भी लोगों के पास 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स है उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा और डिसेंटिंग शेयर होल्डर लोग को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स का कहानी। सारे बच्चे समझ गए हैं? वेरी वेरी गुड, सारे बच्चे समझे? मैक्सिमम 20 ईयर्स बेटा। अंजुम तभी बोल रही हूँ ध्यान दो बेटा क्लास में, किधर ध्यान है? चलिए परफेक्ट हो, समझा? परफेक्ट है, ऑल राइट है, डन है, डन डील है, ओके। जिनके पास भी इंडिविजुअली क्या, जिन 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 के पास भी 3/4 ऑफ द लोग है, जैसे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स लेट से 1000 लोगों के पास है
तो जिन लोगों के पास भी मिलाकर 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर्स है, उनका कम से कम आपको क्या लेना पड़ेगा, कंसेंट. जिनके पास भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल. बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके पास कुछ 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 अमाउंट के प्रेफरेंस शेयर हो. तो मिलाकर जिन लोग जितने लोगों के पास भी 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, कम से कम उतना कंसेंट आपको लेना पड़ेगा. ठीक है. अब एक ही आदमी के पास तो 3/4 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होना मुश्किल है ना बेटा. एक ही आदमी के पास इतने सारे शेयर होना मुश्किल है. तो ऑफकोर्स आप जितने लोग सबका अप्रूवल लोगे, तो मिलाकर किनका कंसेंट मिल जाना चाहिए, जिनके पास 3/4 ऑफ द होल्डिंग हो पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की. ठीक है. ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, किसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल ऑल्ट्रेशन. सेक्शन 61 बात करता है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल की. ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब अगर कंपनी अपने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल. ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल किसको कहा जाता है, अगर कंपनी अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करे. कंसोलिडेट और डिवाइड द एग्जिस्टिंग शेयर्स, मतलब कंसोलिडेट और डिवाइड द एग्जिस्टिंग शेयर्स, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक शेयर को 10 शेयर में डिवाइड कर रहे हो. सब डिवाइड द शेयर इनटू मोर नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब लेट्स से एक शेयर को, सॉरी उल्टा हो गया, एक शेयर को आप 10 शेयर में डिवाइड कर रहे हो. या कंसोलिडेट करना, ऐसा बहुत कम होता है जब आप 10 शेयर्स को कंसोलिडेट करके एक शेयर में कन्वर्ट कर लो. कंसोलिडेट और डिवाइड द एग्जिस्टिंग शेयर्स, सब डिवाइड द शेयर्स, मतलब या तो एक शेयर को 10 शेयर में डिवाइड कर दो या 10 शेयर को एक शेयर में ले आओ. जनरली सब डिविजन ही होता है शेयर्स का इनटू मोर नंबर ऑफ शेयर्स. या फिर आप क्या कर रहे हो, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हो या स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो. स्टॉक क्या होता है, स्टॉक शेयर क्या है, शेयर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है कैपिटल को मेजर करने की. एक स्मॉलेस्ट यूनिट कैपिटल को मेजर करने की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, शेयर. शेयर को जब आप बंडल में डाल देते हो उसे हम कहते हैं स्टॉक. तो अगर एक कंपनी शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर रही है या स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट कर रही है, उसको भी हम ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल ही कहते हैं. कैंसिल द अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स, लेट से कंपनी ने शेयर इशू किए मार्केट में 10,000, लोगों ने 9,500 शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिए, 5,000 शेयर्स सब्सक्राइब नहीं किए, तो ये अनसब्सक्राइब्ड शेयर है, इनको कैंसिल कर देना. दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल. तो बेसिकली ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब पांच चीजें, इंक्रीजिंग द ऑथराइज शेयर कैपिटल, कैंसिलिंग द अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स, कंसोलिडेटिंग द शेयर्स या सब डिवाइडिंग द शेयर इनटू मोर नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना या स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल. अगर आप शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन लाना चाहते हो तो आपका आर्टिकल ऑथराइज करना चाहिए इसको, और आप ऑल्ट्रेशन लाने के 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को इसको बताओगे. अगर आप अपने शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन लाए हो, ऑल्ट्रेशन मतलब ये पांच चीजें अगर आपने की है, तो 30 डेज में आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, और आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी इस चीज को ऑथराइज करना चाहिए. समझा गया. शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स मतलब 10 शेयर को एक शेयर में कन्वर्ट कर देना, या सब डिवाइडिंग द शेयर, एक शेयर को 10 शेयर में कन्वर्ट करना, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देना, स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर देना, ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा देना, इन्हें कहते हैं ऑल्ट्रेशन. अगर आप ऑल्ट्रेशन करते हो तो आरओसी को 30 डेज में बताते हो, और आप ऑल्ट्रेशन तभी कर सकते हो जब आपका आर्टिकल क्या करे, इस चीज को ऑथराइज करे. सारे बच्चे समझा, एवरीबडी समझा गया, सारे बच्चे बताओगे ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज सेक्शन 61. ये पांच चीजें ऑल्ट्रेशन है बेटा, आरओसी को बताना पड़ता है ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन तभी कर सकते हो जब आर्टिकल ऑथराइज करते हैं. एवरीबडी आई वांट टू रिप्लाई नाउ, ईच एंड एवरी बच्चा हुज वाचिंग मी, आप मुझे फटाफट पहले जवाब देंगे, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी. ठीक है, कि सबको समझा. अभी तक हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अच्छे से कर लिया, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल हमने बढ़िया तरीके से कर लिया, उससे पहले हमने डीवीआर शेयर्स किया था. आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को कहां कहां यूज कर सकते हो, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स कर लिया. तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे एक एक करके कवर की है. एवरीबडी विल रिप्लाई टू मी इन द चैट, ओनली देन विल गो अहेड. ठीक है, सारे बच्चे, सब बच्चे जवाब देंगे. वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड. तो अभी देख लो, आपने ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स का पढ़ लिया,
कि प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ कितने सालों के लिए कहाँ से रीपे किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, सीआरआर में पैसा डालना होगा। प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप इशू ना कर पाओ तो फर्दर नए शेयर्स इशू कर सकते हो, बट उसके लिए एनसीएलटी का अप्रूवल, 3/4 ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने ये पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था बेटा, स्वेट बिफोर शेयर्स का पढ़ लिया कि प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ कितने सालों के लिए कहाँ से रीपे किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, सीआरआर में पैसा डालना होगा। प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप इशू ना कर पाओ तो फर्दर नए शेयर्स इशू कर सकते हो, बट उसके लिए एनसीएलटी का अप्रूवल, 3/4 ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने ये पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी इंप्लॉई को दिया जाता है, स्वेट इक्विटी के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 12 महीने में आपको स्वेट इक्विटी इशू करना पड़ेगा। कितना मैक्सिमम अमाउंट का स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो, 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल और ₹5 करोड़ इशूइंग वैल्यू, व्हिच एवर इज हायर। ओके, उसके बाद आपने क्या पढ़ लिया था, शेयर को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी एंड डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम वाले। सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल इन एडवांस, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डीवीआर शेयर्स, वेरी वेरी गुड। कर सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी एंड डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम वाले, शेयर को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी एंड डेट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम वाले। सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल इन एडवांस, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डीवीआर शेयर्स, वेरी वेरी गुड। चलिए, एवरीबडी यहां तक सबका हो गया है, सबका हो गया। चलो अब अपने आएंगे सबसे पहले 58। अभी किसी का डाउट भी था 58 के ऊपर तो उसे, ये सब तुम्हारा हो गया है, वो बायबैक हो गया है, 58 पे आ जाते हैं। 58 अभी किसी ने 58 पे डाउट भी पूछा था, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, किसका डाउट था बेटा, आपका डाउट एड्रेस हो जाएगा। लास्ट सेक्शन जो हम यहाँ पे करेंगे ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का करेंगे, उसके बाद दो सेक्शन बचते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन अपने कर लेते हैं क्योंकि उस पर किसी का भी डाउट भी आया है, ये तो हमने पढ़ लिया डिवेंचर ट्रस्टी, वाई कांट आई सी ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, एक मिनट, सीआरआर, ये आपका बायबैक, प्रेफरेंशियल एक मिनट, आई विल सर्च फॉर द सेक्शन 58।